ऑडियो चेक 1 2 3 ऑडियो चेक हेलो हेलो रमजान मेरा रहमत रहमत मेरा वानी रवानी में कुरान कुरान और इंसान रमजान मेरा रहमत रहमत मेरा वानी रवानी में कुरान कुरान और इंसान कुरान और इंसान इंसान और रहमान रहमान की खुशी खुशी है कुरान में रमजान मेरा रहमत रहमत मेरा वानी कुरान और इंसान कुरान और क्याम है कुरान से कुरान और जिंदगी जिंदगी है रति जगे में कुरान कुरान और मजा मजा जिंदगी का واحلل عقدة من لساني يفقه قولي अल्लाह के पाक नाम से 18वें पारे के 12वें रुकू का आगाज करते हैं। इशाद है जहानों के बादशाह का, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु साफ़ात। क्या आपने नहीं देखा कि यकीनन अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता है जो आसमानों में है और ज़मीन में है और परिंदे भी जो पर फैलाए हुए हैं। कुल्लुन कद अलीम सलातहु व तस्बीहहु, हर एक ने यकीनन अपनी नमाज और तस्बीह को जान लिया है और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो कुछ भी वो करते हैं। कायनात की हर मखलूक, फिजाओं में परवाज करने वाले परिंदे हों, ज़मीन के हशरात हों, ज़मीन के ऊपर चलने वाले जानवर हों, या समंदरों की मछलियां समंदरी जानवर हों, या ज़मीन के बाहर आसमानों की मखलूक हो, हर एक का एक काम है। काम क्या है? युसब्बिहु लहु मन फिस्समावाति वल अर्द, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया है कि क्या आपने अपने दिल की आंखों से नहीं देखा, क्या तुम नहीं जानते कि कायनात की हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है ज़ुबान से भी और अपने आज़ा से भी। वत्तैरु साफ़ात, और परिंदे भी जो पर फैलाए हुए हैं, यानी जो अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत हैं, उनकी तस्बीह आसमान और ज़मीन के दरमियान फिजाओं में उड़ते हुए होती है। जबकि दूसरी मखलूकात ज़मीन पर चलती हैं, वो फिजाओं में परवाज करने की ताकत नहीं रखते। परिंदों का तज़किरा उनकी सफबंदी और मुनज़्ज़म परवाज की वजह से किया गया। कुल्लुन कद अलीम सलातहु व तस्बीहहु,
हर एक ने यकीनन अपनी नमाज और तस्बीह को जान लिया है। मखलूक के दिलों में जो तस्बीह इल्हाम कर दी गई है वो अपनी तस्बीह को अपनी नमाज को जानते हैं। अल्लाह ताला ने हर एक को उसकी इबादत का तरीका समझा दिया है और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो कुछ भी वो करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिलाया है कि जो कुछ उसके इल्म में है उस पर वो गिरफ्त करेगा, लिहाजा शऊर और इरादे के साथ अल्लाह ताला की सिफात का इल्म हासिल करो, अपनी ज़िंदगी के प्रोग्राम का इल्म हासिल करो, उसकी इताअत और उसकी तस्बीह में मसरूफ़ अमल हो जाओ। वलिल्लाही मुल्कु समावाती वल अर्द, और आसमानों और ज़मीन में अल्लाह ताला ही की बादशाहत है और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। अल्लाह ताला इस कायनात का मुख्तारे कुल है, बादशाह है, सच्चा माबूद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जोरावर बादशाह है जिसके हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। सब ने लौट कर उसी के पास जाना है और उसने आमाल की जजा देनी है, उससे भागने की कोई जगह नहीं है। लिहाजा उसी से मोहब्बत करो, उसी से खौफ का रिश्ता रखो, उसी से उम्मीदें बांधो, उसी पर तवक्कुल करो, उसी के लिए जियो और उसी के लिए जान दे दो, उसी के पास लौट कर जाना है। एक बार फिर अल्लाह ताला ने सवाल किया है, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामन फतरल वद्का यखरुजु मिन खिलालिही, क्या आपने देखा नहीं? ज़रा तसव्वुर में लेके आइए कि यकीनन अल्लाह ताला बादल को चलाता है। लोग कहते हैं बादल आ गए, कौन लाया है गौर ही नहीं करते। कौन सी माँ है जिसने अपनी औलाद को इसकी तरफ तवज्जो दिलाई हो कि अल्लाह ताला बादलों को चलाता है। वो देखो अल्लाह ताला बादल ले आया है। सब कहते हैं बादल आ गए, गोया कोई बादलों को लाने वाला ही नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या आपने नहीं देखा कि यकीनन अल्लाह ताला बादल को चलाता है, फिर आपस में मिलाता है, फिर उसे तय दर तय बनाता है, फिर आप बारिश को देखते हैं उसके दरमियान से निकलती है और वह आसमान के उन पहाड़ों से ओले नाजिल करता है जो उस आसमान में है, फिर जिस पर चाहता है उसको पहुंचाता है और जिससे चाहता है फेर देता है। करीब है कि उसकी बिजली की चमक निगाहों को ले जाए। अल्लाह ताला ने बारिश के हमांग अमल को हमारे सामने रखा है, जमीन से लेकर आसमान तक एक अजीम अमल जारी रहता है। अल्लाह ताला की कुदरत की दलील है, अगर दो खुदा होते या कई खुदा होते तो ये अमल इतना हमांग ना होता। अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है कि अपने तसव्वुर की आंख से देखो, अल्लाह की अजीम कुदरत का नज़ारा तो तुम करते ही रहते हो, कैसे वो बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों को नरमी और सहूलत के साथ इकट्ठा कर देता है, फिर कैसे उन्हें तय दर तय बनाता है। अल्लाह ताला किस तरह बादलों को पहाड़ों की शक्ल दे देता है। रियली इस कदर दिल को पकड़ लेने वाला मंजर होता है जिस वक्त आप बाहर जाते हैं और आप देखते हैं कि बादल आपसे नीचे हैं, अचानक कोई छोटा सा नन्ना मन्ना सा टुकड़ा आता है और ऐसे लगता है कि जैसे इंसान का वजूद है ऐसे ही बादलों का भी वजूद है। एक टुकड़ा आता है, काफ़ी देर तक कोई टुकड़ा नहीं आता, फिर पता लगता है दो तीन इकट्ठे आ गए, उसके पीछे कुछ बड़े बड़े टुकड़े आते हैं, उसके पीछे फिर जुड़े हुए टुकड़े आते हैं, फिर वो भागते चले जाते हैं, हत्ता के तय बतय लगना शुरू हो जाते हैं, लगता है ज़मीन पर हम पहाड़ों को देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने उसी की मिसाल दी है कि जब वो पहाड़ों की मानिंद हो जाते हैं, फिर आप बारिश को देखते हैं उसके दरमियान से निकलती है और उससे ज़मीन सैराब हो जाती है, नदी नाले दरिया सब भर जाते हैं, किस्म किस्म की नबातात उगती है। अल्लाह ताला ने बारिश की मिसाल से यकीन दिलाया है कि वो अल्लाह है जो हवाओं का मालिक है, हवाएं बादलों को लेकर आती हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, और फिर किस तरह से
उस इलाके तक पहुंचाती हैं जिस इलाके में बारिश बरसाना मतलूब होता है। इंसान को तवज्जो दिलाई जा रही है, अगर सूरज को सिर्फ अपनी फिक्र लाक रहे, समंदर फकत अपनी फिक्र करें और फिजाएं हवाएं सिर्फ अपनी फिक्र में मसरूफ रहें, तो जाहिर है कि बारिश का अमल तो वजूद में नहीं आ सकता। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप बारिश को देखते हैं, बारिश बरसती है तो एक इज्तिमाई अमल का नतीजा होती है, इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपनी वही की मिसाल दी है, औ कसय्यिब मिनस समा, या जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश हो। तो ये बारिश भी बेसबब नहीं हुई थी, जब कभी कोई वाकया पेश आता था अल्लाह ताला की जानिब से जिब्रील अलैहिस्सलाम वही को लेकर आते थे, और कभी कभी ऐसा होता था एक के बाद एक, यानी बार बार वही का सिलसिला जारी हो जाता था, कभी बहुत वक्फा भी आ जाता था। तो जैसे बारिश को हम देखते हैं कि उसके लिए अल्लाह ताला की जानिब से इंतज़ाम किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में वही के लिए, इसी तरह से उस वही को लोगों तक पहुंचाना आसान अमल नहीं है। एक अकेले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले थे, हिरा से उतरे, फिर किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, सईदा खदीजा ने, आपकी बेटियों ने, सईदना अली ने, सईदना जैद ने, सईदना अबू बकर ने, और बाद में बहुत सारे लोगों ने, जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि लोगों तक ये कुरान पहुँचे, वही का पैगाम पहुँचे। कितने ही लोग हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है सईदना अबू बकर की दावत से वो मुसलमान हुए। तो यूँ उस दौर में भी लोग अल्लाह ताला की वही को सीख रहे थे, कुरान मजीद को सीख रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान हो रहे थे। फिर जब कितनी सदियां बीच में आईं तो इसकी तालीम का बड़े पैमाने पर सिलसिला शुरू हो गया, बड़े बड़े मदारिस कायम किए गए और छोटे छोटे मदरसे भी कायम किए गए, हर 20 घरों के बाद एक घर कुरान हकीम की तालीम के लिए मुख्तस हो गया था सईदना उमर के दौर में। फिर ये सिलसिला जब हमारे दौर तक पहुंचा तो आपको हैरत होगी, आज भी हैरत का मकाम है, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली वही, वही का पानी इतनी सदियों के बाद यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सूख जाएगा। हाँ, ऐसा ही हुआ। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान अल्लाह की किताब को नहीं जानते, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों इंसान। आज मैं सुबह एक क्लिप देख रही थी इंडोनेशिया के लोगों का, जो जहां बैठा है कुरान मजीद पढ़ रहा है, कोई एयरपोर्ट पे बैठा है, कोई घर में बैठा है, कोई बस स्टॉप पे बैठा है, कोई बस के अंदर बैठा है, हर जगह कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है। हमारे मुल्क में ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन उसको देख के मैं सोच रही थी कुरान मजीद की तिलावत करने वाले कितने लोग हैं जो कुरान मजीद को समझते हैं, बहुत कम। लेकिन कम से कम तिलावत को तो उन्होंने अपना लिया, तिलावत का सिलसिला यूं ही उनके अंदर आम नहीं हुआ, उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की है, यह भी इज्तिमाई अमल का नतीजा है। मैं एक बार हज करने के लिए गई और मैंने वहाँ पे एक मक्का के शख्स को देखा, वो इंडोनेशिया के एक शख्स से कुरान मजीद की तिलावत को सीख रहा था कि हज के 40 दिन इन साहब ने यहाँ रहना है, तो उन्होंने उनकी शागिर्दी इख्तियार की और वो इस कदर खूबसूरत तरीके से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे कि उनके गिर्द बहुत बड़ी भीड़ लग गई थी और हर एक का दिल चाहता था कि हम भी सीखें। तो इंडोनेशिया में ख़ास तौर पर लोगों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कलाम पाक का सिलसिला किसी हद तक मुसलमानों के अंदर राइज है। लेकिन आप देखें क्या पाकिस्तान के लोगों की सुबह ऐसी होती हैं
या दुनिया में जितने लोग उठते हैं उनकी सुबह ऐसी होती हैं वो मुसलमान हैं और फजर का कुरान गायब है, जिंदगियों से फजर का कुरान उठ गया है। तो ऐसा नहीं है कि फजर की तिलावत ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर कुरान मजीद से वो मोहब्बत और वो ताल्लुक भी बाकी रह गया हो। फजर की तिलावत ख़त्म हुई, लोगों का कुरान मजीद से सिलसिला कटा, आज कितनी बड़ी तादाद है, फौज जफर मौज है, करोड़ों लोग हैं जिन्हें कुरान मजीद नहीं आता, जिन्हें नहीं पता हमारे रब ने क्या हुक्म दिया है। इस जहालत के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिहाद करने के लिए उठे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म है कि आप कुरान मजीद के साथ जिहाद कबीर करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा जिहाद है लोगों तक अल्लाह की बात को, अल्लाह की तालीम को पहुंचा देना। तो हमने इसके लिए कोशिश की कि ऐसे लोगों को तैयार करें जो लोग आगे बढ़कर कुरान मजीद को पहुंचाने वाले, सिखाने वाले हों, और अल्लाह ताला के फजलो करम से वो दावत, वो तरीका कार जो हमने 96 में शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील मुद्दत इस सिलसिले को अकेले ही जारी रखा, फिर लोग साथ मिल गए, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के गोशे गोशे में ये सिलसिला जारी है। लेकिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो अभी तक कुरान मजीद से महरूम है, और लोग ज़िद करके बैठे हैं कि अल्लाह के कलाम को नहीं सीखेंगे, दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से उन लोगों के लिए भी सहूलत पैदा हो गई जो अपने घरों से निकलना नहीं चाहते थे, पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड। तो आज एक बड़ी तादाद है जो अल्लाह ताला की किताब को सीखती है, अल्लाह ताला की किताब को पहुँचाने के लिए कोशिश करती है। ये भी एक इज्तिमाई अमल है। मैं आप सबको दावत देना चाहती हूँ कि इस इज्तिमाई अमल में आप भी शरीक हो जाएं, जैसे हवाएं बादलों को उठाती हैं। हवा खुद तो पानी नहीं है, लेकिन पानी को उठा लेती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। और कैसे सूरज की हरारत और रोशनी समंदरों के पानी को भाप बनाकर ऊपर की तरफ उठाती है, और ऊपर की फिजा में वो भाप ठंडी होती है। इज्तिमाई अमल है ना, यानी वो बारिश जो हमारे घरों पर, हमारे खेतों पर, हमारे बागों पर बरसती है, उसके लिए सूरज भी शामिल है, उसके लिए हवाएं भी शामिल हैं, उसके लिए समंदर भी साथ देते हैं। और फिर वाटर साइकिल कैसे चलता है, समंदरों का पानी भाप बन के उड़ता है, ठंडा होता है, बारिश बरसाने के लिए बादलों की सूरत में तब्दील होता है, हवाएं उड़ाकर ले जाती हैं, बारिश बरसती है, फिर बारिश जब बरसती है तो नदियों नालों के ज़रिए से पानी दोबारा समंदर में आ जाता है, लोग भी इस्तेमाल करते हैं, खेतों के लिए भी इस्तेमाल होता है, और बाकी पानी वहीं पहुंच जाता है, कुछ पानी ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है। इस तरह ज़िंदगी का निज़ाम कायम है, इसी तरह से हमारी अकली, फिक्री और रूहानी ज़िंदगी का निज़ाम भी चल सकता है कि कुरान मजीद का, अल्लाह की वही जो मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रही 23 बरस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस दौर के लोगों पर, जो आज हमारे तक आन पहुंची है, इस वही को दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक, दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए आपका तआवुन भी चाहिए कि आप भी आगे बढ़ें अपनी सलाहियत से, अपनी कुव्वतों से, अपने माल से। आप अपना वक्त लगाकर इसको बच्चों, बूढ़ों, जवानों, मर्दों, औरतों तक पहुंचाने के लिए आपका साथ चाहिए। जो लोग इस काम में हमारे साथ शरीक होते हैं, हम उन्हें कुरान के खिदमतगार, कुरान के वॉलंटियर बनाते हैं, और वो फिर आगे बढ़ के हमारे साथ तआवुन करते हुए दूर दराज के इलाकों तक कुरान मजीद को पहुँचाने के लिए काम करते हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से। आपको मैं आज जुमे के मुबारक दिन पे दावत देती हूँ कि आए कुरान के खिदमतगार बन जाएं, कुरान वॉलंटियर बने और अपने हिस्से का काम करें। और मैं हमेशा इस बात को समझती हूँ कि ये बहुत कीमती बात है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मुझसे पहुँचा दो अगरचे एक आयत ही क्यों ना हो। और आपने फरमाया जो हज्जतुल विदा में हाजिर थे उनके लिए, जो हाजिर हैं उनको पहुंचा दें, जो हाजिर नहीं है शायद कि वो लोग
उनसे ज्यादा बढ़कर याद रखने वाले। तो हमें नहीं पता कौन कितनी सलाहियत रखने वाले लोग हैं, हमसे बहुत आगे तक जाके जब वो दीन की खिदमत करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी अपना अजर पाएंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो क्या कुरान मजीद के खिदमतगार बनने के लिए तैयार हैं? इसके लिए खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, अपने हिस्से का काम करेंगे इंशाल्लाह, हैंड रेज कीजिएगा। इसके लिए हम बाकायदा तौर पर कुरान वॉलंटियर्स के फॉर्म भी फिल करवाते हैं, उसमें आप अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर या अपनी सलाहियत, कुव्वत, जो भी आपके बस में है उसको नोट डाउन करते हैं, हमें पहुँचाते हैं, फिर हम उसके मुताबिक तय करने की कोशिश करते हैं स्टेप वाइज कौन किस वक्त कहाँ से क्या काम कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने जितना लोगों को जहन दिया, बाज़ औक़ात कोई ऐसा फ़र्द भी होता है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते कि ये कुरान का इतना बड़ा खिदमतगार बन सकता है। यहीं पे एक खातून, एक दिन पहले परसों के दिन पे मेरी मुलाकात हुई, रियली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आती थी, मैं अल्लाह की कुदरत पर और इंसानों पर अल्लाह की रहमत पर हैरान हूँ। एक खातून आई, उसने कहा कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ और मैंने पैनी पैनी जोड़ के इतनी रकम इकट्ठी की कि मैं 5 मरले की जगह खरीद लूँ। अब वो 5 मरले की जगह जिस इलाके में है वहाँ के लोग बिल्कुल कुरान को नहीं जानते, मैं चाहती हूँ उस इलाके में अल्लाह के कुरान को पहुँचाने के लिए, तालीम देने के लिए आप लोग काम करें। मैं अगर आप मुझसे इस जगह को कबूल कर लें और अगर आप वहाँ पे कुरान की तालीम के लिए कोई इंतज़ाम कर दें तो मैं चाहती हूँ इस प्लॉट के अलावा मैं एक और प्लॉट साथ ले लूँ। जस्ट इमेजन, एक ऐसी औरत जिसके पास शौहर कमाने वाला नहीं है, कोई उसे देने वाला नहीं है, वो मेहनत करती है उस इंसान की तरह, उस मोमिन की तरह जिसने रात भर यहूदी के कुएं पर रेड चलाया था और सुबह को यहूदी ने मुट्ठी भर खजूरें दी थी और वो मुट्ठी भर खजूरें देने के लिए गज़वे तबुक के लिए जब देने के लिए निकला तो लोगों ने कहा, लो देखो टिड्डी की टांग, मुट्ठी भर खजूरें लेके चले हैं सल्तनत रोमा को फतह करने के लिए। कितना दिल ख़राब हुआ होगा। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो खजूरें पहुँची तो आपने सारे माल के ऊपर उन खजूरों को रख दिया। सुभान अल्लाह, तो वो अल्लाह है हर एक की कोशिशों को कबूल करने वाला। कोई ऐसा शख्स है जो कहता है कि मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ कहीं भी कुरान पढ़ाने का सिलसिला करेंगे मैं लोगों को उसकी दावत दूंगा कि लोग कुरान हकीम को सीखने के काबिल हो जाएं। कोई ऐसा शख्स है जिसके पास सलाहियत है, वो कहता है कि मैं खुद भी इस अमल में शामिल होना चाहता हूँ, आप अगर हमारे इलाके में कुरान हकीम पढ़ाने के लिए कोई इंतज़ाम करें तो मैं अपनी सलाहियत लगाकर बेहतरीन तरीके से इन सारे लोगों को जोड़े रखूँगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम कर लूँगा, कोई कहता है मैं टीचर का काम कर लूँगा, कोई कहता है मैं लोगों की यानी दिलजोई के काम कर लूँगा, और इस तरह से इन लोगों के तवस्से से कुरान जगह जगह पहुँचे। कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कहता है अच्छा मुझसे कोई और काम तो नहीं होता, लेकिन मैं उन इलाकों तक कुरान को पहुँचा दूँ या उन लोगों तक पहुँचा दूँ जिनके पास कुरान नहीं है। तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी एक साथी हैं बहुत ही प्यारी, उनके दिल में अल्लाह ताला ने इस कदर ज़्यादा कुरान हकीम की मोहब्बत रखी है और दूर दराज के इलाकों तक अल्लाह की किताब को पहुँचाने के लिए वो हमेशा बेताब रहती हैं। स्कर्दू और गिलगित में कुरान मजीद पहुँचाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को जो वहाँ पर सिर्फ लिबास, कपड़े या खाना पहुँचाते थे, उन लोगों से राबता किया कि आप हमारे साथ ताबुन करें। तो जो लोग वहाँ पे कुरान पढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उन लोगों तक कुरान पहुँचा दें। वहाँ तक जब कुरान पहुँचा तो लोग तड़प उठे, लोगों ने कहा अच्छा ये कुरान तो आया है, पढ़ना नहीं जानते, तो अब आप कुछ महीनों के लिए हम लोग भेज देते हैं, आप कुरान पढ़ा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्कर्दू गिलगित से लोग आने शुरू हुए, हमने ग्रुप के ग्रुप ट्रेंड करने शुरू किए,
वो यहाँ से कुरान पढ़ पढ़ के जा रहे हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से। इसी तरह आज़ाद कश्मीर से, इसी तरह से सिंध से, बलूचिस्तान से, अल्लाह ताला की तौफीक से। तो ये पता नहीं होता इंसान को कि अल्लाह ताला ने मुझसे किस तरह, किस जगह, किस वक्त, कैसा काम ले लेना। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ रिलेटिव्स, कुछ दोस्त अहबाब दूर दराज के इलाकों में रहते हों, दुनिया के किसी मुल्क में रहते हों, किसी और दूर के इलाके तक रहते हों, और आप चाहते हों कि वो लोग भी अल्लाह की किताब को सीखें। तो ऐसा हो सकता है कि आप ऑनलाइन जो हमारे सेटअप्स हैं उनके साथ राब्ता कायम करवा दें, तो आप देखें कि अल्लाह के रसूल की इतनी बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके तवस्सुत से एक शख्स भी हिदायत पा गया तो आपके लिए सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा कीमती है, यानी एक सुर्ख ऊँट जो है वो एक कीमती गाड़ी के बराबर होता है। तो आप कीमती समझें उन लोगों को जिनको आप कुरान पढ़ाने सिखाने के काबिल होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हमसे कुरान की इस खिदमत को कबूल कर ले, हमें कुरान पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए घर घर तक, दुनिया भर तक। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी काविशों को बरकत अता फरमा दे। और अल्लाह ताला ही रात और दिन को पलटाता है, बिला शुबा आंखों वालों के लिए इसमें यकीनन इबरत है। दिन और रात के बदलने में बहुत से असबाक हैं, कभी के दिन लंबे होते हैं, कभी की रातें। अल्लाह ताला बादलों को हटाकर अंधेरे को दूर कर देते हैं, सूरज की रोशनी से ज़मीन को चमका देते हैं। अल्लाह ताला किस तरह से नूर और अंधेरों के कायनाती मनाजिर दिखाते हैं। रोशनियाँ अल्लाह के हुक्म की पाबंद हैं, अंधेरे अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। पाबंद बनकर जिए, अल्लाह के पाबंद बनकर जिए। अल्लाह ताला हमें पाबंदी वाली ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला ने हर जानवर को पानी से पैदा किया है, फिर इनमें से कोई पेट के बल चलता है और इनमें से कोई दो पाँव पर चलता है, और इनमें से कोई चार पाँव पर चलता है। अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला ने हर जानवर को पानी से पैदा किया, एक पानी से पैदा होने वालों में से किसी के दो पाँव, किसी के चार पाँव, कोई पेट के बल चले। अल्लाह ताला ने तो हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। हैवानात की असल पानी है। इस कायनात का खालिक और मालिक एक है। एक पानी से पैदा होना साबित करता है कि इस कायनात का कोई और मालिक नहीं है। उसी ने दो पाँव वालों को, चार पाँव वालों को पैदा किया, और बाज़ हैवानात चार से ज़्यादा पाँव रखते हैं। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। बिलाशुबा यकीनन हमने वाज़े आयात नाजिल कर दी हैं, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ हिदायत देता है। अल्लाह ताला ने वाज़े आयात नाजिल कर दी हैं जिनसे हिदायत और गुमराही में फ़र्क वाज़े हो जाता है। और वो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और रसूल पर ईमान लाए और हमने इताअत की, फिर उसके बाद उनमें से एक ग्रोह फिर जाता है, और ये लोग हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं हैं। मुनाफिक अपनी ज़ुबानों से कहते थे कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाए, हालांकि ईमान उनके दिलों में नहीं बैठा था। और जब उन्हें अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि उनके दरमियान फैसला करे, तो अचानक उनमें से एक ग्रोह मुँह मोड़ने वाला होता है। जब मुनाफिकों को झगड़ों के फैसले के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है तो एक ग्रोह मुंह मोड़ जाता है, जो ईमान लाने का दावा करते हैं लेकिन उज़र पेश करते थे क्योंकि उनके दिलों में ईमान की हकीकत नहीं बैठी थी। वो अल्लाह और उसके रसूल के फैसलों से मुंह मोड़ जाते थे। उन्हें यकीन था कि रसूलुल्लाह की अदालत से जो फैसला होगा उसमें किसी की रियायत नहीं होगी, और अगर हक उन्हीं का हो तो रसूल की तरफ फरमा बरदार बनकर आ जाते हैं। यानी अगर फैसला अपने हक में हो तो खुशी खुशी गर्दन झुकाए चले आते हैं,
वरना फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं। अफी कुलूबिहिम मरदुन, क्या उनके दिलों में बीमारी है, या वो शक में पड़े हुए हैं, या वो डरते हैं कि अल्लाह ताला और उसका रसूल उन पर जुल्म करेगा, बल्कि यही लोग जालिम हैं, मुनाफिक दिल के मरीज हैं, निफाक के मर्ज में मुब्तला हैं। जिसने उनके दिलों को सेहत के दायरे से निकाल दिया, उसका एहसास जाता रहा और वो बीमार आदमी की तरह हो गए, जो हमेशा उस चीज़ से एराज करता है जो उसके लिए फ़ायदा मंद हो, और उस चीज़ को कबूल करता है जो उसके लिए ज़र्र रसा हो। तो अल्लाह ताला ने दो चीज़ें सामने रखी हैं, बीमार हो या शक में पड़े हुए हो। असल में शक की बीमारी भी निफाक़ी की बीमारी है। और फिर देखें, या वो डरते हैं कि अल्लाह ताला और उसका रसूल उन पर जुल्म करेगा। माशरे का प्रेशर लोगों को डराता है, लोग सोचते हैं अगर हम बदल गए तो माशरे के लोग हमें कैसे कबूल करेंगे, हम उनके दरमियान कैसे रह सकेंगे। क्या ख्वातीन के दिल में ये बात नहीं आती कि अगर हिजाब कर लें तो शौहर क्या कहेंगे, पहले उनसे ना इजाज़त ले लें, क्या पता शौहर इजाज़त ही ना दें। अगर हिजाब कर लिया भाई क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पहले उनसे तो इजाज़त ले लें। अल्लाह के हुक्म की इजाज़त आप उसके किसी अदना मखलूक से लेंगे, इससे बढ़कर अल्लाह ताला की बेअदबी और क्या हो सकती है। कितने ही लोग हैं जो इस वजह से नेकी के काम नहीं कर सकते कि दोस्त क्या कहेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं यही लोग जालिम हैं। जालिम करार देने की वजह यह है कि सच्चाई और इंसाफ को कबूल नहीं करना चाहते, जमने नहीं देना चाहते। रुकू नंबर 13 है, दरहकीकत मोमिनों की बात ही ये होती है जब उन्हें अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि वो उनके दरमियान फैसला कर दे। वो कहते हैं कि हमने सुना और हमने फरमा बरदारी की, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अहले ईमान को जब अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है तो उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। जब उन्हें कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया जाता है तो ईमान वाले फौरन सर झुका देते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यही लोग कामयाब हैं, यही लोग जन्नत में जाएंगे। वमन युतिल्लाह व रसूलहु, और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की फरमा बरदारी करे और अल्लाह ताला से डरे और उसकी नाफरमानी से बचे, तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं। कामयाब लोगों की चार सिफात हैं जो इस आयत में बताई गई, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी, उसके रसूल की फरमा बरदारी, अल्लाह ताला का खौफ और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना। क्या आप ये चार काम करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। और अल्लाह से मदद मांगे फौरन। और उन्होंने अल्लाह ताला की कस्में खाई, अपनी पुख्ता कस्में, कि यकीनन अगर आप उन्हें हुक्म दें तो वो ज़रूर निकलेंगे। आप कह दें कस्में ना खाओ, मालूम इताअत ही काफ़ी है, बिलाशुबा अल्लाह ताला उसकी पूरी खबर रखने वाला है जो तुम अमल करते हो। मुनाफिकों की कस्मों पर कस्में खाने की बजाय दस्तूर के मुताबिक इताअत करो। अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के बारे में कहा कि अल्लाह ताला के नाम पर पुख्ता कस्में खाते हैं कि अगर जंग के लिए निकलने का हुक्म दें तो वह फौरन उठ खड़े होंगे। मुनाफिक अपना खोट छुपाने के लिए कस्में खाते थे, वरना वो हकीकी इताअत करने वाले तो थे नहीं। इसलिए उन्हें कहा गया इताअत मारूफ है, यानी सबको पता है कि मुनाफिक कितनी इताअत करने वाले हैं, मारूफ के मुताबिक इताअत करो, कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला को पता है जो आप अमल करते हो। आप कह दें अल्लाह ताला की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, फिर भी अगर तुम मुँह मोड़ोगे तो रसूल के सिर्फ वो जिम्मेदारी है जो उस पर बोझ डाला गया है, और तुम पर वो जिम्मेदारी है जो तुम पर बोझ डाला गया है। और अगर तुम उसकी इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे, और रसूल के जिम्मे साफ साफ पहुंचा देने के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करना और उनका अदब व एहतराम करना, ये आप लोगों का काम है। तो खुलूस से अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए, नियत की सेहत के साथ
उसकी इताअत करो कि ये वाजिब है, और तुम पर तुम्हारी जिम्मेदारी का बोझ है, यानी रसूल की इताअत करना, उनका अदब व एहतराम करना और उसके अदब के तकाजों का ख्याल रखना। और रसूल के जिम्मे साफ साफ पहुंचा देने के सिवा कुछ नहीं है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वामिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी, अल्लाह ताला ने उनके साथ वादा किया है जो तुम में से ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए कि वो उनको ज़मीन में ज़रूर बज़रूर जानशीन बनाएगा, जैसा कि उसने इनसे पहले लोगों को जानशीन बनाया था, और उनके लिए उनके दीन को ज़रूर बज़रूर इक्तदार देगा जिसे अल्लाह ताला ने उनके लिए पसंद किया है, और वो ज़रूर बज़रूर उनके खौफ के बाद बदल कर अमन देगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक न करेंगे। और जिसने इसके बाद कुफ्र किया तो वही लोग नाफरमान हैं। अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर ज़मीन में गालिब होने का वादा किया है। अल्लाह का वादा सच्चा है उन लोगों से जो ईमान लाकर नेक अमल करते हैं, जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, कि वो उनको ज़मीन की खिलाफत अता करेगा, ज़मीन के मामलात की तदबीर उनकी दस्तरस में होगी, उनके तसर्रुफ में होगी। अल्लाह ताला ने वादा किया तो ये भी बताया, जैसा कि तुमसे पहले लोगों को उसने ज़मीन में खलीफा बनाया था, लिहाजा नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तीन सिफात हैं, जान लीजिए, जिनकी वजह से अल्लाह ताला की रहमत होती है। बाकी इंसानों का कहना जो है वो दुरुस्त नहीं है कि गुनाह करते जाओ और अल्लाह की रहमत से उम्मीद बांधते जाओ। मग़फ़िरत से उम्मीद बांधी जा सकती है, वो भी तब जब इंसान तौबा करे। तीन सिफात जिनकी वजह से अल्लाह की रहमत होती है, नंबर एक नमाज, नंबर दो ज़कात की अदायगी, और नंबर तीन रसूल की इताअत यानी सुन्नत, सुन्नत पर अमल। जो सुन्नत पर अमल करता है अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक ठहरता है। फिर फरमाया, जिन लोगों ने कुफ्र किया आप उनके बारे में हरगिज़ ये गुमान ना करें कि वो ज़मीन में आजिज कर देने वाले हैं और उनका ठिकाना आग है, और यकीनन वो बहुत ही बुरी लौट कर जाने की जगह है। ज़मीन में कोई अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला पकड़ने पर पूरी कुदरत रखता है, कायनात का मालिक है, कायनात के हर जर्रे पर उसका कब्ज़ा है, उससे भागकर कोई कहीं नहीं जा सकता। उसने फरमाया, या माशरल जिन्न वल इंस, ए जिन्न और इंसानों के ग्रोह, इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, अगर तुम ये इस्तेताद रखते हो कि ज़मीन और आसमान के किनारों से निकल भागो, फनफुज़ू, तो भाग निकलो, ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, नहीं भाग सकते, इसके लिए बड़ा ज़ोर चाहिए। जब भाग नहीं सकते तो सर तो झुका सकते हैं ना। दुनिया में इंसानों के सामने लोग सर नहीं झुकाते। जब कोई गालिब आ जाता है तो अल्लाह जब गालिब है तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उसके आगे सर झुका दें। रुकू नंबर 14 है, माजरत खाऊं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुमसे वो लाजमन इजाजत तलब करें जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हुए, यानी लौंडियां, गुलाम, और वो भी जो तुम में से अभी बुलूगत की हद को नहीं पहुंचे, इजाजत तलब करें। कब? तीन बार, फजर की नमाज से पहले, और दोपहर को जब तुम अपने कपड़े उतार कर रख देते हो, और इशा की नमाज के बाद। ये तीन तुम्हारे पर्दे के औकात हैं। इनके बाद ना तुम पर कोई गुनाह है और ना ही उन पर।
तुम एक दूसरे पर कसरत से चक्कर लगाने वाले हो। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात की वजाहत करता है और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। घर के मामलात की तंजीम के लिए इस्तीज़ान का हुक्म है, इजाज़त तलब करने का। क्या आप अपनी घरेलू ज़िंदगी में ये तब्दीली लाना चाहेंगे? ऑप्शनल तो नहीं है, हुक्म है अल्लाह ताला का। क्या अल्लाह ताला का हुक्म मानना फ़र्ज़ नहीं है? यकीनन फ़र्ज़ है। घर में रहने के तौर अतवार बदलने हैं। माँ बाप को ये कहा गया, तीन औकात तुम्हारे पर्दे के हैं, एक तो सुबह उठते वक्त, एक दोपहर को कैलूला का वक्त है, एक रात को। इन तीन औकात में लौंडियाँ गुलाम आपसे इजाज़त लेके आएंगे और नाबालिग बच्चे भी, यानी छोटी उम्र के बच्चे भी, नमाज फजर से पहले, जोहर के वक्त, इशा की नमाज के बाद। इशा की नमाज के बाद मेहनत मशक्क़त करने वाले लोग सो जाते हैं और सुन्नत भी यही है। तो इन तीन औकात में लोग अपने घर वालों के साथ होते हैं, इसलिए कमरों के अंदर पर्दे का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अचानक कोई पर्दे का ख्याल किए बगैर अंदर दाखिल ना हो जाए। और बाज़ औक़ात नौकरों और बच्चों की निगाहें भी पर्दे की जगहों पर पड़ जाती हैं, इसलिए अपने बच्चे भी इजाज़त लेकर आएंगे। अब आप देखिए, हर घर में, हर घर की मालिका माँ ज़िद लगा के बैठी है, अपना घर है, यहाँ क्या इजाज़त लेनी है, यहाँ किसी को इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। तखलीक का हक़ है, हर किसी की प्राइवेसी है, अल्लाह ताला ने इस हक की हिफाजत करने का हुक्म दिया है। अपने घरों के माहौल को बदलें, इजाज़त लिए बगैर हर वक्त जिसका जी चाहे मुंह उठा के एक कमरे से दूसरे कमरे में ना फिरता रहे। चले आगे पीछे तो आपको चक्कर लगाने होते हैं, लेकिन तीन औकात में आप इजाज़त के बगैर नहीं जाओगे, क्योंकि हर एक की अपनी लाइफ है, उसका एहतराम करना सबका फ़र्ज़ है। ये दीन हमें बताता है हर एक का अपना अपना मकाम है। इन तीन औकात के अलावा सब बगैर इजाज़त के भी आ सकते हैं। इनके बाद ना तुम पर कोई गुनाह है ना उन पर। इसका मतलब ये कि अगर कोई इजाज़त लेके नहीं आता इन तीन औकात में तो गुनाहगार है, ये गुनाह है, पर्दे के औकात हैं। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात की वजाहत करता है और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे बच्चे बुलूगत को पहुँच जाएँ तो वो लाजमन इजाज़त तलब करें, जैसे उनसे पहले लोग इजाज़त तलब करते थे। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है और अल्लाह ताला खूब जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। बच्चे अक्ल की हद को पहुँच जाएँ तो इसी तरह इजाज़त लेकर आएँ जैसे उनसे पहले लोग इजाज़त लेते रहे हैं। यानी वो बच्चे जो तीन औकात में इजाज़त मांग कर आया जाया करते थे, बालिग हो जाए तो किसी भी वक्त बगैर इजाज़त के ना आए। यानी बालिग लोग एक दूसरे के पास बगैर इजाज़त के नहीं जाएंगे। बच्चों के लिए तीन औकात हैं, लौंडी गुलामों के लिए तीन औकात हैं। और बैठ रहने वाली औरतें जो निकाह की उम्मीद नहीं रखते हैं, जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती, मुअम्मर औरतें, बुजुर्ग औरतें जिनको बुढ़ापे की वजह से हैज आना बंद हो जाए और उन्हें निकाह की रग़बत ना हो, औलाद की उम्मीद ना रहे, और बैठ रहने वाली औरतें जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती, सो उन पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने कपड़े उतार कर रख दें जबकि वो जीनत जाहिर करने वाली ना हो, और ये कि वो उससे भी बचें तो उनके लिए बेहतर ही है। और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। बुज़ुर्ग ख़वातीन के लिए अहकामात हैं, और यहाँ कपड़े उतारने से मुराद
नंगा होना नहीं है, इससे मुराद है शलवार कमीज के ऊपर जो बड़ी चादर है, अबाया वगैरह उतारना चाहें तो वो उतार सकती हैं। और बुज़ुर्ग होने का जो अल्लाह ताला ने एहसास दिलाया है, वल कवाईदु, बैठ रहने वाली औरतें, भाग भाग के बाहर जाने वाली औरतें नहीं, क्योंकि अभी वो इस ज़ुमरे में नहीं आई। तो जिनकी इतनी ताकत ही नहीं रही कि अब वो इधर उधर जा सकें, कवाइद उन्हें कहते हैं, बैठ रहने वाली औरतें, वो अगर पर्दा नहीं करती, चादर उतार देती हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन एहतियात बूढ़ी औरतों के लिए भी अफजल है। और यहाँ ये बात कही गई कि अगर वो ख्वातीन भी उन असबाब को इख्तियार करें जो पाकदामनी और इफ़त का तकाजा करते हैं, मसलन निकाह करना, उन उमूर को छोड़ देना जिनसे फितने में पड़ने का खौफ होगा, तो बेहतर होगा। इसलिए अल्लाह ताला के अलीम होने को जहन में रखें, दिल की बातों को वो जानता है, नीयतों और मकासद से भी खूब वाकिफ है, इसलिए इन ख्वातीन को हर बुरी बात और बुरे इरादे से बचना चाहिए। अंधे पर कोई तंगी नहीं, और लंगड़े पर कोई तंगी नहीं, और बीमार पर कोई तंगी नहीं, और ना ही तुम्हारे अपने ऊपर कि तुम अपने घरों से खाओ, या अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माओ के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उस घर से जिसकी चाबियों के तुम मालिक बने, या अपने दोस्त के घर से खाओ। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम लोग मिलकर खाओ या अलग अलग। फिर जब तुम घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने लोगों को सलाम करो। अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा बाबरकत और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात खोलकर बयान करता है ताकि तुम समझ जाओ। घरों में दाखिले और खाने पीने के आदाब हैं। माजूर साहबा लोगों के साथ खाने से रुकते थे कि कहीं लोग नापसंद ना करें। अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी, कोई हर्ज की बात नहीं है। और रिश्तेदार जब एक दूसरे के पास आते हैं, आपस के ताल्लुकात में कोई हर्ज नहीं है, बस अल्लाह की हुदूद का ख्याल रखेंगे, बिला इजाज़त दाखिल नहीं होंगे, तखलिये के हुकूक की हिफाजत करेंगे। जो आपका भांजा है, आपकी बेटी का नामहरम है, जो आपका भतीजा है या आपके शौहर का भतीजा है, आपकी बेटी का नामहरम है, डायरेक्टली घर के अंदर घूम फिर नहीं सकते, अल्लाह का हुक्म है। वो किसी के कमरे में बगैर इजाज़त के नहीं जा सकते, बल्कि घर में घूम फिर नहीं सकते। कितनी रेजिस्टेंस होगी ना, कैसे बदलें घर के माहौल को। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और हम अल्लाह ताला के अहकामात पर यकीन रखते हैं। इजाज़त के बगैर बालिग लोग किसी के घर में, किसी के कमरे में दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ लोग हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, उन्होंने ये तय कर रखा है, इधर से निकले उसके कमरे में चले गए, उधर से निकले उसके कमरे में चले गए, लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिला इजाज़त किसी के कमरे में जाएं, इजाज़त लेके जाना है। यही एटिकेट्स हैं जो अल्लाह ताला ने सिखाए, तखलिये के हक़ की अल्लाह ताला ने हिफाजत की है। या उस घर से जिसकी चाबियों के तुम मालिक बने, जिहाद पर जाने वाले अपने घरों की चाबियां माजूर साहबा को दे देते थे, और वो उनके घरों से कुछ खाना पीना जायज़ नहीं समझते थे, अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया, कोई हर्ज नहीं। और अपने दोस्तों के घरों से आप बिला तकल्लुफ़ खा सकते हो, जब दोस्त के लिए अजियत का बायस ना बने तो बग़ैर इजाज़त के भी खाया पिया जा सकता है। और अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया, मिलकर खाओ या अकेले खाओ, कोई हर्ज की बात नहीं। सईद अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक के ईमान नहीं लाओगे, और तुम मोमिन नहीं होगे यहाँ तक कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊँ कि जब तुम उसे इख्तियार करोगे तो आपस में मोहब्बत करने लगोगे,
अफशु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो। मुस्लिम की 54 नंबर रिवायत है। मुसलमान के मुसलमान पर 5 हुकूक हैं। सलाम का जवाब देना, मरीज का मिजाज मालूम करना, जनाजे के साथ चलना, दावत कबूल करना, छींक पर उसके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमुकल्लाह कहना, ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा बाबरकत सलाम है और दुआए ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हमें अपने घरों की ज़िंदगी में ये सारी तब्दीलियां लाने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अगर हमने उसे तब्दील ना किया तो गुनाहगार होते ही रहेंगे, दिन रात गुनाहगार होंगे। तो क्या आप अपने घर में अल्लाह ताला के अहकामात को, इन अहकामात को रवाज देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं कि इंशाल्लाह हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह। रुकू नंबर 15 है, दरहकीकत ईमान वाले वही हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब किसी इज्तिमाई काम के मौके पर उसके साथ होते हैं तो वहां से वो नहीं जाते हत्ता कि उससे इजाजत तलब कर लें। यकीनन जो लोग आपसे इजाजत तलब करते हैं वही अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। चुनांचे जब वो अपने किसी काम के लिए आपसे इजाजत मांगे तो उनमें से जिसे आप चाहें इजाजत दे दिया करें और उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे। यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप लोग किसी मुहिम पर हों, हम कैसे हो सकते हैं? सहाबा कराम के लिए हुक्म है और बाद वालों के लिए भी यही हुक्म है कि जब भी इज्तिमाई तौर पर मुसलमान जिहाद के लिए निकलें, किसी और मुहिम पर निकलें, तो वापसी के लिए इजाज़त मांगें। ये भी हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी जहालत है, जो लोग इकट्ठे जा रहे होते हैं कहीं, अच्छा घर वाले भी इकट्ठे जा रहे हैं ना, तो बच्चे इजाज़त के बगैर चले जाएंगे। कभी जब लोग इज्तिमाई काम के लिए इकट्ठे निकलते हैं तो 4 लोग इधर से निकल के गए, 4 उधर से निकल के चले गए, गुनाह है भाई, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है इजाज़त लें। और इसमें कितना बड़ा नफ़ा है, इज्तिमाईत कायम नहीं होती जब तक के उसके कुछ प्रिंसिपल्स ना हों, कुछ उसूल ना हों। जुजाज कहते हैं कि हर दौर में मुसलमानों का अपने इमामों के साथ, अपने रहनुमाओं के साथ ऐसा ही मामला होना चाहिए कि उनकी मुखालफत ना करें और उनकी इजाज़त के बगैर खामोशी से मजलिस से उठकर नहीं जाना चाहिए। हालात के तकाजे के मुताबिक इमाम इजाज़त देगा तो ठीक है, वरना जाने से रोक देगा। तुम रसूल के बुलाने को इस तरह का बुलाना न समझो जैसे तुम में से एक दूसरे को बुलाता है। यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों को खूब जानता है जो तुम में से आड़ लेते हुए खिसक जाते हैं। सो जो लोग रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं वो लाजमन डरें कि उनको कोई फितना पहुँचे या उनको दर्दनाक अजाब पहुँचे। रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहतराम से मुखातिब होने का हुक्म दिया है और रसूलुल्लाह के हुक्म को वाजिब करार दिया है। तुम रसूल के बुलाने को ऐसा मत समझो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। लोग एक दूसरे को कुनियत से मुखातिब करते थे जैसे आम लोग एक दूसरे को मुखातिब करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी को एहतराम से मुखातिब करने का हुक्म दिया है। आपको कुनियत से मुखातिब ना करें, नाम ना लें, बल्कि कहें या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। और आपके दौर के लोग इसी तरह से आपको मुखातिब किया करते थे। कितने ही लोग थे जिन्हें तहजीब ने छू कर नहीं देखा था, जब सहराओं से लोग आपके पास आते थे तो उन्हें बहुत मुश्किल लगता था कि ये क्या बात है कि हमें इजाज़त लेनी पड़े, तो बहुत गुस्से से और बहुत ज़्यादा परेशानी से रसूलुल्लाह सल्लम के इंतज़ार के लिए बाहर टहलते थे और ऊंची ऊंची कहते थे, उखरुज उखरुज या मोहम्मद, मोहम्मद बाहर निकलो, मोहम्मद बाहर निकलो। तो अल्लाह ताला ने रोक दिया कि आप नबी को बुलाने को
और आपस में एक दूसरे को जैसे बुलाते हो एक बराबर मत समझो। और अल्लाह ताला ने रोक दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद न करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ईमान ही ज़ाया हो जाए। तो ये तौर तरीके, ये एटिकेट्स, ये तहजीब ईमान का हिस्सा है, ये हमारा दीन है, ये हमारा लाइफस्टाइल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, सो जो लोग रसूल के हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हैं वो लाजमन डरें। इससे साबित होता है कि ज़िंदगी के तमाम मामलात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई सुन्नत पर परखना वाजिब है। हर अमल को देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैदान में क्या किया था। जो चीज़ सुन्नत के मुताबिक होगी उसे कबूल कर लिया जाएगा, और जो कौल या अमल रसूलल्लाह की सुन्नत के खिलाफ होगा उसे रद्द कर दिया जाएगा। फुकहा ने इसी आयत से इस्तिदलाल करते हुए कहा कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म वाजिब होता है, वजूब के लिए होता है, और उस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर दो तरह की सजाओं में से एक वाजिब होती, या तो अल्लाह ताला की तरफ से दर्दनाक अजाब आ जाएगा, कोई बला नाजिल हो जाएगी, घर हमारे हैं, घरों की जिंदगी है, लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत न की तो घरों की जिंदगी में कोई सुकून से नहीं बैठा रहेगा, या तो अजाब आएगा। इसलिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत करते हैं उन्हें ज़रूर इस आयत पर गौर फिक्र करना चाहिए, और किसी के कौल और अमल को सुन्नत पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द, सुन लो यकीनन जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ताला ही का है, यकीनन जिस रविश पर तुम हो वो जानता है, और जिस दिन लोग उसकी तरफ वापस लाए जाएंगे वो उन्हें उससे बाखबर कर देगा जो उन्होंने अमल किए, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन का मालिक है, उसने हर चीज़ का इहाता अपने इल्म से कर रखा है, वो हर अमल करने वाले को उसके आमाल का पूरा पूरा अजर देगा। तो यहाँ हमने देखा सूरह नूर में हद्दे ज़िना को, हद्दे कज़फ को, हद्दे लियान को, स्कैंडल्स के बारे में हमारा क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए। हमने देखा कि सय्यदा आयशा पर इल्ज़ाम लगा, अल्लाह ताला ने उनकी बरात नाजिल की। हमने इस्लाम के उन इकदामात को देखा जो सोसाइटी को बेहयाई से बचाने के लिए किए गए। इस सूरत में मर्दों और औरतों को निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया, औरतों को भी ये हुक्म दिया गया कि वो अपने चादरों के पल्लू अपने सीनों पर डाल लें। इसी तरह हमने देखा कि अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान का नूर है, और उसके नूर की तरफ रोशनी पाने वाले उन घरों में होते हैं जिन्हें तामीर करने का और जिनमें अल्लाह ताला के नाम के जिक्र को बुलंद करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। ईमान वालों की सरगर्मियाँ यही हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाने की वजह से ऐसे कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं जिनको करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें सूरत के अहकामात को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह के पाक नाम से सूरह अल फुरकान का आगाज करते हैं। इस सूरत में फुरकान का लफ्ज़ 3 बार आया है, और अल फुरकान कुरान हकीम की अहम तरीन सिफत है, इसलिए इसका यही नाम रखा गया है। रुकू नंबर 16 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़ल अल-फ़ुर्क़ान अला अब्दिही लियकूना लिल-आलमीन नज़ीरा। बहुत बरकत वाला है जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा ताकि वह तमाम जहानों के लिए डराने वाला। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को फुरकान बनाकर नाजिल किया है ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान वालों के लिए बुरे अंजाम से खबरदार करने वाले हों,
यानी डराने वाले हों। पहले नबी एक कौम की तरफ मबूस किया जाता था, रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं सब लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ। ये बुखारी की 335 नंबर रिवायत है। आपने फरमाया मैं स्याह और सुर्ख की तरफ मबूस किया गया हूँ। कुरान मजीद को फुरकान बनाकर नाजिल करने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान वालों के लिए बुरे अंजाम से खबरदार करने वाले और खुले डराने वाले हों। वो जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है और जिसने औलाद नहीं बनाई और न कभी बादशाही में उसका कोई शरीक रहा है और जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसका अंदाज़ा मुकरर किया पूरा अंदाज़ा, यानी जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा है वो आसमानों और ज़मीन का मालिक है, उसकी कोई औलाद नहीं, वो किस कदर कुदरत वाला है, उसने हर चीज़ का पूरा पूरा अंदाज़ा मुकरर किया। आयत के अख्तिताम पर अल्लाह तबारक व तआला की अजीम सना है, बादशाहत उसी की, खल्क उसी की, हिकमत उसी की, उसने हर चीज़ को ऐसे तख्लीक किया जो उसके उसके लिए लायक है, जो उसके लिए मुनासिब है, और लोगों ने उसके सिवा ऐसे माबूद बनाए हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते और वो खुद पैदा किए जाते हैं और न वो अपने नुकसान का इख्तियार रखते हैं और न ही नफ़ा का, और जो ना मौत का इख्तियार रखते हैं और ना ज़िंदगी का और ना उठाए जाने का। मुशरिकों ने आजिज़ मखलूक को अपना माबूद बना लिया जो कुछ भी तख्लीक करने पर नफ़ा नुकसान पर ज़िंदगी और मौत पर इख्तियार नहीं रखते, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने कहा कि ये एक मन घड़त चीज़ के सिवा कुछ नहीं है जिसे इसने घड़ लिया है और इस पर दूसरे लोगों ने इसकी मदद की है, यकीनन वो जुल्म और सख्त झूठ पर उतर आए हैं। काफिर कुरान मजीद के बारे में ये समझते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुद घड़ लिया है और दूसरे लोगों ने इसकी मदद की है, यानी उनके बहतान के मुताबिक कुरान मजीद की तालीफ़ो तरतीब में कुछ और लोगों ने भी इसकी मदद की है। मुशरिकीन का ख्याल था ये किताब गढ़ने में अजमी ग़ुलामों से मदद ली गई है, मसलन अद्दास, अबू फुकैहा वगैरह। उन्होंने कहा कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिन्हें इसने लिखवा रखा है, वही इसको सुबह शाम पढ़कर सुनाई जाती हैं। मुशरिकीन ने वही के नुज़ूल को हल्का साबित करने के लिए इसे पहले लोगों की कहानियां करार दिया। आप कह दें कि इसको नाजिल किया है उसने जो आसमानों और ज़मीन के राज जानता है, यकीनन वो बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। कुरान मजीद को उसने नाजिल किया है जो ज़मीन के राज भी जानता है आसमान के भी, और उन्होंने कहा कि ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता है, इसकी तरफ कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया कि वो भी इसको इसके साथ डराने वाला होता। मुशरिकों को रसूलुल्लाह के इंसान होने पर एतराज़ था, इसलिए वो कहते थे कि कोई खाना खाए और रसूल हो जाए, रसूल को तो फरिश्ता होना चाहिए, उसको तो किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। मुशरिकीन को ये एतराज़ अल्लाह के रसूल के इंसान होने पर था। आज तक ये एतराज़ जारी है, सिर्फ सूरत हाल फ़र्क हो गई है। कल वो कहते थे कि इंसान है तो रसूल कैसे, आज लोग कहते हैं रसूल है तो इंसान कैसे। झगड़ा वही है, कदीम झगड़ा है जो आज भी जारी है। मुशरिकों का ये ख्याल था कोई फरिश्ता मददगार हो जो बताए अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, और वो किसी अकेले इंसान की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, या उसके पास कोई ख़जाना ही डाल दिया जाता, या उसके पास कोई बाग होता जिससे वो खाता। और ज़ालिमों ने कहा कि तुम तो एक सहर ज़्यादा आदमी के पीछे चलते हो। मुशरिकों ने मौजज़ात के मुतालबे के ज़रिए दरअसल ये एतराज़ किया था कि मुआशी एतबार से खस्ता हालत वाला शख्स हम पर कैसे फौकियत रखता है। अब देखें आपके लिए वो कैसी कैसी मिसालें बयान करते हैं, सो वो बहक गए हैं, चुनांचे वो कोई रास्ता नहीं पाते। मुशरिकीन के एतराज़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आप देखें
वो कैसी कैसी मिसालें बयान करते हैं, कभी जादूगर कहते हैं, कभी शायर, कभी मजनून। दरअसल ये खुद बहक गए हैं और बेअकली की बातें करके हिदायत के रास्ते से दूर हो रहे हैं। रुकू नंबर 17 है, तबारक अल्लज़ी इंशा जाल लका खैरम मिन ज़ालिका, बहुत बरकत वाला है जो अगर चाहे तो आपको इससे बेहतर ऐसे बागात अता कर दे जिनके नीचे नहरें बहती हों और आपके लिए महल्लात बना दे। मुशरिकों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़क्र व फाका का ताना दिया था तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दिलाई कि वो बागात और शानदार महल्लात अता फरमाएगा, बल्कि उन्होंने क़यामत को झुटला दिया है और जो क़यामत को झुटलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। मुशरिकों के असल एतराज़ात का असल सबब क़यामत की जवाबदही का खौफ ना होना है। वो जब उन्हें दूर से देखेगी तो उसका बिफरना और गधे की सी आवाज़ सुन लेंगे। जन्म की आग मुजरिमों को देखकर जोश खाएगी, वो उसका बिफरना सुन लेंगे और जब वो उसमें से किसी तंग जगह पर आपस में जकड़े हुए होंगे, जब वो आपस में जकड़े हुए डाल दिए जाएंगे तो वहाँ वो किसी हलाकत को पुकारेंगे। इनकार करने वाले जकड़े हुए यानी बांध कर उन्हें तंग जगह में डाल दिया जाएगा। काफिरों को आज़ादी से आग तक पहुँचने के बाद बचने का मौका नहीं दिया जाएगा, एक तंग मकाम में जंजीरों में जकड़ कर फेंक दिया जाएगा। उस वक्त वो अपनी मौत को पुकारेंगे और रब्बुल इज्जत का फरमान है, सुम ला यमूतु फीहा वला यहया, फिर ना वो उसमें जिएंगे ना मरेंगे। आज एक हलाकत को ना पुकारो बल्कि बहुत सी हलाकतों को पुकारो, यानी एक अजाब नहीं बहुत से अजाबों को पुकारो। एक अजाब से निकलोगे दूसरा तुम्हारा इंतजार करेगा, अजाब से कभी बच नहीं पाओगे। एक अजाब नहीं बहुत से अजाबों को पुकारो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अजाबों से बचने के लिए दुआ करते थे, जब सोने लगते अपना दायां हाथ अपने दाएं गाल के नीचे रखते और आप फरमाते थे, अल्लाहुम्मा किनी अजाबका यौमा तबअसु इबादुक, अल्लाह मुझे अपने अजाब से बचा लें जिस रोज़ आप अपने बंदों को उठाएंगे। आप कह दें क्या ये बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका वादा मुत्तकियों से किया गया है जो उनका बदला और लौट कर जाने की जगह होगी। यानी बस और जजा को झुटलाने वाले मुशरिकों से कह दो, इसमें उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे, हमेशा रहने वाले हैं। आपके रब के जिम्मे एक ऐसा वादा है जिसका मुतालबा किया जा सकता है। जन्नत में वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे, अल्लाह ताला ने जन्नत की अदायगी को अपने जिम्मे वाजिब कर लिया है। और जिस दिन वो उन्हें जमा करेगा और उन्हें भी जिनकी वो अल्लाह ताला के सिवा इबादत किया करते थे, फिर वो कहेगा क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया या वो खुद ही राय रास्ते भटक गए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला झूठे माबूदों से पूछेगा क्या तुमने मेरे बंदों को गुमराह किया है या वो खुद रास्ता भटक गए हैं। वो कहेंगे पाक है आपकी ज़ात, हमारे लिए ये मुनासिब ही ना था कि हम आपके सिवा दूसरों को सरपरस्त बनाएं, लेकिन आपने उनको और उनके बाप दादा को दुनिया का सामान दे दिया यहाँ तक कि वो तेरी याद भूल गए और वो लोग तबाह व बर्बाद होने वाले थे। क़यामत के दिन खुद साख्ता माबूद कहेंगे पाक है तेरी ज़ात, हमारे लिए मुनासिब नहीं था कि हम आपको छोड़कर किसी और की इबादत करें। सो जो तुम कहते थे उन्होंने यकीनन तुम्हें झुटला दिया है, पस अब तुम ना ही अजाब हटाने की इस्तेतात रखते हो और ना ही अपनी मदद कर सकते हो, और तुम में जो भी जुल्म करेगा उसे हम बहुत बड़े अजाब का मज़ा चखाएंगे। यानी अब तो ऐसा हो गया कि तुम्हारे माबूद भी तुम्हें झुटला रहे हैं, तुम अपने से अजाब हटाने की इस्तेतात नहीं रखते ना अपनी मदद कर सकते हो। और हमने आपसे पहले
कोई रसूल नहीं भेजे, मगर वो सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते थे, और हमने तुम्हें एक दूसरे की आजमाइश का जरिया बनाया है। क्या तुम सब्र करते हो? और आपका रब हमेशा सही सब कुछ देखने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने रसूल भेजे गए थे सब मोहताज थे, खाना खाते थे और बाजारों में चलते थे। नबी करीम को नबी और बादशाह बनने में इख्तियार दिया गया था। आपने बंदा और नबी बनना पसंद किया। अल्लाह ताला हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी आजजी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह 18वां पारा कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है हमें इस पारे का हक अदा करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह के पाक नाम से 19वें पारे का आगाज करते हैं। पहला रुकू है वकाल अल्लज़ीन ला यरजून लिकाना, जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए या हम अपने रबी को देखते, वो अपने दिलों में बहुत बड़े बन गए और उन्होंने सरकशी इख्तियार की, बहुत बड़ी सरकशी। जानते हैं ऐसे सवालात कौन करता है? जो लोग जन्नत और मग़फ़िरत की उम्मीद नहीं रखते, वो इंसान को रसूल बनाने पर एतराज़ करते हैं। जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे, ऐसा तो है इन आँखों ने फरिश्तों को देखना तो है, लेकिन वो ये दुनिया नहीं है जहाँ देखना है। जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे, मुजरिमों के लिए उस दिन कोई खुशखबरी नहीं होगी, और वो कहेंगे जन्नत तुम पर ममनू है, हराम कर दी गई है। उस दिन फरिश्ते काफिरों से कहेंगे आज जन्नत तुम्हारे लिए हराम है, आज हराम है कि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता कर दे। वकदिमना इला मामिलू मिन अमलिन फजालनाहु हबा मंसूरा, और हम उनके हर अमल की तरफ आएंगे, जो उन्होंने कोई भी अमल किया तो हम उसे उड़ती हुई खाक बना देंगे। कयामत के दिन काफरों के अमाल बेहसियत जर्रों की मानिंद कर दिए जाएंगे। अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तकर्रम व अहसनु मकीला, जन्नत वाले उस दिन बेहतरीन ठिकाने में और बहुत अच्छी आरामगाह में होंगे। कयामत के दिन अहले जन्नत के लिए कितनी सहूलत होगी, उनके लिए वो दिन मुख्तसर होगा, आसान हिसाब किताब होगा। कैलूले के वक्त तक ये लोग फारिग हो जाएंगे, जन्नत में अहलो अयाल के साथ फिर आराम करेंगे। लेकिन अजीब बात है, घर वाले बदल जाएंगे। किसी किसी के घर वाले साथ होंगे, जो सब घर वाले नेक होंगे, बाकी तो सब बदल जाएंगे। और जिस दिन आसमान बादल के साथ फट जाएगा और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे, लगातार नाजिल किया जाना, वो कयामत का दिन होगा जब आसमान फटेगा और फरिश्ते मैदान हशर में हाजिर हो जाएंगे। और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे, लगातार नाजिल किया जाना, उस रोज हकीकी बादशाहत रहमान की होगी, और वो दिन काफरों पर बड़ा ही मुश्किल होगा, बहुत भारी होगा। और जिस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा, वो कहेगा ऐ काश के मैं रसूल के साथ हिदायत का कुछ रास्ता इख्तियार करता। हशर के मैदान में जालिम गमो अंधों का मुजस्मा बनकर ये कहेगा ऐ काश मैंने रसूल के साथ हिदायत का रास्ता इख्तियार किया होता, मैंने नफामंद इल्म हासिल किया होता, मैंने अमले सवाले किए होते। यार हमर रहीमीन, हमारे इन सारे मजालिम को अपने ख़ास फजलो करम से, अपनी रहमत से माफ़ कर दीजिए, हमें हर चीज़ को अपने मकाम पर रखने की तौफीक अता फरमाइए। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय मेरी बर्बादी, काश मैं फुलां शख्स को दिली दोस्त न बनाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। ये दोस्तियाँ बर्बाद करती हैं,
दोस्त ज़हनी अज़ियत देते हैं, दोस्त दीन पर चलने नहीं देते, दबाव डालते हैं, और इंसान दोस्तियों को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो सोचता है कि मैं किन के साथ वक्त गुजारूंगा। फिर इन दोस्तों की वजह से अपने रब को छोड़ देता है, अपने दीन को भी छोड़ देता है। दोस्ती के बारे में इस्लाम का ख़ास नुक्ता नज़र है, इंसान दोस्तों के असरात कबूल करता है, इसलिए नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। और इस्लाम अल्लाह ताला के नाफरमानों से दोस्ती करने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए रसूलुल्लाह की दुआए कुनूत में हमें इसका तज़किरा मिलता है, वनतरुकु मन यफ़जुरुक, और हम उसे छोड़ देंगे जो आपकी नाफरमानी करेगा। कितने ही लोग हैं जो इसी दुआए कुनूत को पढ़ते हैं, हर बार अल्लाह से वादा करते हैं वनतरुकु मन यफ़जुरुक, लेकिन कभी वादे को पूरा करने के बारे में नहीं सोचते। इस्लाम दोस्ती के असरात को फकत दुनिया तक महदूद नहीं समझता, इसके असरात हमेशा की जिंदगी पर भी पड़ेंगे। इसलिए कुरान हकीम में हशर के मैदान में जालिम इंसान की हसरत और दिलदोज चीखों की सूरत में बुरी दोस्ती के अंजाम को दिखाया गया, ताकि लोग अपनी दोस्तियों के बारे में दुरुस्त फैसले करें। लकद अज़ल्लनी याने ज़िक्री बादा इज़्यानी, बिलाशुबा यकीनन उसने मुझे इसके बाद नसीहत से बहका दिया जबकि वो मेरे पास आ चुकी थी। और इंसान को शैतान हमेशा छोड़ के जाने वाला है। हशर के मैदान में इंसान को समझ आएगी कि मेरे दोस्तों ने मुझे नसीहत से बहका दिया, तो शैतान तो इंसान को छोड़कर जाने वाला है। वकाल रसूल, और रसूल कहेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ऐ मेरे रब, ये मेरी वो कौम है जिसने कुरान को छोड़ा हुआ बना रखा था। क़यामत के दिन उम्मतियों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि या अल्लाह, इन्होंने कुरान छोड़ दिया था। क्योंकि कुरान पर अमल करना वाजिब है। क्या आपके घर में किसी ने कुरान को छोड़ा हुआ है कि उसका इल्म ना हासिल करते हों, उसके अहकामात पर अमल ना करते हों, उसको अपनी ज़रूरत ना समझते हों, इस कुरान को पहुँचाने का काम ना करते हों? कौन सा घर है जिसमें ऐसे अफराद ना हों? वो कौन सा घराना है इस धरती पर जिसके सारे अफराद अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हों? आज शायद वो घराने ख़त्म हो गए, शायद इक्का दुक्का कोई घराना मिले, खुश नसीब घराना। तो अल्लाह के रसूल कहेंगे, इन्होंने कुरान को छोड़ा हुआ बना रखा था। सवाल ये पैदा होता है, कुरान मजीद को छोड़ने से क्या मुराद है? कुरान मजीद को अपना ना बनाना, कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी की किताब ना समझना, कुरान मजीद के इल्म के हुसूल को अपनी ज़िम्मेदारी ना समझना, कुरान मजीद का इल्म हासिल ना करना, उस पर गौर फिक्र ना करना, कुरान मजीद के मुताबिक अमल ना करना, इसके रोके से ना रोकना, इस पर अमल के हुक्म पर अमल ना करना, और कुरान मजीद के पैगाम को ना फैलाना, कुरान मजीद को छोड़कर किसी और किताब, किसी और चीज़ को तरजीह देना। सवाल ये पैदा होता है, कुरान मजीद को कैसे अपना बनाया जा सकता है? एक बच्चे को माँ अपना बनाती है ना, तो ज़िंदगी भर उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करती है। इस मिसाल से आप समझ सकते हैं कि कुरान मजीद को ज़िंदगी भर के लिए आप अपनाना चाहते हैं, तो फिर ज़िंदगी की किताब को समझना ज़रूरी है। इसके इल्म के हुसूल को अपनी ज़िम्मेदारी समझें, इस पर अमल करने को अपनी ज़िम्मेदारी समझें, इस पर गौर फिक्र करने को अपनी ज़िम्मेदारी समझें, फिर इसकी दावत देने को अपनी ज़िम्मेदारी बनाएं, इसका पैगाम फैलाने को अपनी ज़िम्मेदारी बनाएं। ये सब उमूर ऐसे हैं जो दरअसल अपनाने के बाद लाजिम हो जाते हैं। यहाँ ये भी देखने की ज़रूरत है, क्या कुरान मजीद बनाने की, कुरान मजीद के लिए मराकज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है? अजमल बैठने की कितनी जगह हैं जहाँ लोग आपस में बैठते हैं, रेस्टोरेंट्स में, सोशल मीडिया पर, किसी जूस कॉर्नर पर, आइसक्रीम पार्लर्स में, जहाँ भी लोग मिल बैठते हैं, गपशप करते हैं, जहाँ सोसाइटी में लोगों के उठने बैठने के लिए इतने अहतमाम किए गए, क्या उसमें ऐसे लोग नहीं हैं
जिस दीन के लिए और इस कुरान के लिए ऐसे मराकज तामीर करें, ऐसी जगह जगह बनाएं जहां बैठकर लोग अल्लाह के दीन की तालीम हासिल करें, सीखें और सिखाएं। किताब के कामों में से बड़ा काम, कुरान के कामों में से बड़ा काम, इस किताब की, कुरान की तालीम के लिए मराकज कायम किए जाएं। तो रसूलुल्लाह के अपनी कौम के बारे में शिकवे की हकीकत समझ आती है कि अब वो लोग रसूलुल्लाह की शफ़ात के मुस्तहिक नहीं रहेंगे, उन पर अल्लाह ताला की नज़रे करम कभी नहीं हो सकेगी, उनके खिलाफ रसूलुल्लाह की गवाही हो जाएगी। जिन्होंने इस कुरान को छोड़ दिया था, क्या अब भी हम इस कुरान को छोड़े रखेंगे? वकज़ालिका जालना लिकुल्ली नबीयिन अदुवम मिनल मुजरिमीन, और इसी तरह हमने मुजरिमों में से हर नबी के लिए कोई ना कोई दुश्मन बनाया है, और आपका रब ही हिदायत देने वाला, मदद देने वाला काफ़ी है। और उन लोगों ने कहा जिन्होंने कुफ्र किया, इस पर पूरा कुरान एक ही बार क्यों ना नाजिल कर दिया गया? इसी तरह हमने उतारा ताकि हम आपके दिल को इसके साथ मजबूत करें, यानी यकबारगी नाजिल ना करने की हिकमत है। और हमने इसे ठहर ठहर कर पढ़ा, खूब ठहर ठहर कर पढ़ना, यानी कुरान मजीद पर काफिरों ने एतराज़ किया था, एक ही बार आ जाता, तो अल्लाह ताला ने फरमाया आहिस्ता आहिस्ता इसलिए नाजिल किया ताकि ईमान वालों के दिल मजबूत हो जाएं, उनके लिए समझने और अमल करने में आसानी हो, सहूलत हो। और वो आपके पास कोई मिसाल नहीं लाते, मगर हम तेरे पास हक और बेहतरीन तफसीर लाते हैं। कुरान मजीद के बतदरीज नाजिल होने की हिकमत अल्लाह ताला काफिरों के एतराज़ात और मुतालबात का वाज़े जवाब देते हैं। जो लोग अपने चेहरों के बल जहन्नुम की तरफ जमा किए जाने वाले हैं, वही लोग ठिकाने में बदतरीन और रास्ते से ज़्यादा भटके हुए हैं। रुकू नंबर 2 है, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी ब्रेक है और हम इस दौरान थोड़ा सा कुछ सुनते हैं। रमज़ान में रहमत, रहमत में रवानी, रवानी में कुरान, कुरान और इंसान। रमज़ान में रहमत, रहमत में रवानी, रवानी में कुरान, कुरान और इंसान। कुरान और इंसान, इंसान और रहमान, रहमान की खुशी, खुशी है कुरान में। रमज़ान में रहमत, रहमत में रवानी, रवानी में कुरान, कुरान और इंसान। कुरान और क़याम,
क़याम है कुरान से, कुरान और जिंदगी, जिंदगी है रत जगे, रत जगे में कुरान, कुरान और मजा, मजा जिंदगी का, जिंदगी रहमान की, रहमान का दिया, रत जगा और कुरान, कुरान और रमजान, रमजान में रहमत, रहमत में रवानी, रवानी में कुरान, कुरान और इंसान, रमजान में नेकी, नेकी में रंग, रंग है कुरान का, कुरान में लगन, लगन में कुरान, खुशी की पहचान, पहचान है कुरान, कुरान और रमजान, रमजान में रहमत, रहमत में रवानी, रवानी में कुरान, कुरान और इंसान, मजे रत जगों के, बुलावे रहमतों के, रहमतें हैं वहाँ कुरान से, जहाँ जहान है कुरान, कुरान और रमजान, रमजान में रहमत, रहमत में रवानी, रवानी में कुरान, कुरान और इंसान, मोहब्बत का सफीर, सफीर है कुरान, कुरान और रमजान, कुरान और इंसान, खिदमत है कुरान की, खिदमत है इंसान की, रमजान में नेकी, नेकी है मदद, नेकी है खुलूस, नेकी में है प्यार, प्यार है रहमान का, रमजान में रहमत, रहमत में रवानी, रवानी में कुरान, कुरान और इंसान, रमजान में रोजे, रोजे में प्यास, प्यास में खुशी, खुशी है रहमान की, रहमान और रमजान, कुरान है जहाँ मोहब्बतें हैं वहाँ मोहब्बत है रहमान की, रहमान और इंसान, रहमान और कुरान, रमजान में रहमत, रहमत में रवानी, रवानी में कुरान, कुरान और इंसान, रहमान मेरी जिंदगी, रहमान मेरा दोस्त, दोस्त मेरा लाफानी, फानी है इंसान, इंसान और कुरान, कुरान और रमजान, रमजान में रहमत, रहमत में रवानी, रवानी में कुरान, कुरान और इंसान, रमजान में भूख, भूख है इंसान की, भूख में है दर्द, दर्द है इंसान का, कुंभ है रहमान का, कुरान है जहाँ इंसानियत वहाँ, इंसानियत और कुरान, रमजान में रहमत, रहमत में रवानी, रवानी में कुरान, कुरान और इंसान, कुरान में तासीर, तासीर है कलाम की, कलाम है रहमान का, रहमान का कुरान, कुरान और रमजान, रमजान में रहमत, रहमत में रवानी, रवानी में कुरान, कुरान और इंसान, जो दोस्त है रहमान का, हमदर्द है इंसान का, इंसान और रहमान, रहमान और रमजान, रमजान और कुरान, रमजान में रहमत, रहमत में रवानी, रवानी में कुरान, कुरान और इंसान, रमजान का पैगाम, खुलूस और प्यार, इफ्तार और रिश्तेदार, दोस्ती के मुसाफ़े,
मोहब्बत के बुलावे। रास्ता है नेकी का, रास्ता है रोशनी का, रास्ता रहमान का, रहमान निगहबान, निगहबान वो हल आ। रमजान में रहमत, रहमत में रवानी, रवानी में कुरान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर दो है, वलकद आतैना मूसल किताब वजालना माहू अखाहू हारून वजीरा। और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा को किताब दी और उसके साथ उसके भाई हारून को बोझ बटाने वाला बनाया। अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए उनके भाई हारून को उनका मददगार बना दिया, उन्हें भी नबुव्वत अता की। और हकीकत यह कि नबुव्वत वजारत के मुनाफी नहीं है, दोनों एक ही दौर के नबी थे, दोनों भाई थे, दोनों मददगार थे एक दूसरे के। फिर हमने कहा कि तुम दोनों उन लोगों की तरफ जाओ जिन्होंने हमारी आयात को झुटला दिया, तो हमने उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया, बुरी तरह तबाह व बर्बाद करना। अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा और सैयदना हारून को झुटलाने वालों की तरफ भेजा ताकि बुरे लोगों को हलाक कर दिया जाए। और नूह की कौम को हमने गर्क कर दिया जब उन्होंने रसूलों को झुटला दिया, और हमने उन्हें लोगों के लिए निशान इबरत बना दिया, और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और आद और समूद को और कुएं वाले और उसके दरमियान बहुत से ज़माने के लोगों को भी हलाक कर दिया। आद और समूद ये दो कौमें, नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये कौमें आईं, और कुएं वाले असाबुल रफ से मुराद है असाबुल उखदूद, जिनका तस्करा सूरह अल बुरूज में भी मिलता है। और हर एक के लिए हमने मिसालें बयान की, अल्लाह ताला ने दलाइल के ज़रिए कौमों पर हुज्जत कायम की, और हर एक को हमने बर्बाद किया, बुरी तरह बर्बाद करना। और बिलाशुबा यकीनन ये लोग उस बस्ती पर से आए हैं जिस पर बदतरीन बारिश बरसाई गई, तो क्या वो उसे देखा नहीं करते थे, बल्कि वो दोबारा उठाए जाने की उम्मीद ही नहीं रखते। अहले मक्का शाम और फलस्तीन की बस्तियों को देखते थे लेकिन मौत के बाद दोबारा उठाए जाने की उम्मीद नहीं रखते थे। और जब वो आपको देखते हैं तो वो आपको मजाक बना लेते हैं कि क्या यही है वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा है। बेशक करीब था कि वो हमें हमारे माबूदों से ही बहका देता अगर हम उस पर जमे न रहते, और जल्दी वो जान लेंगे जब अजाब देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा रास्ते से भटका हुआ है। मुशरिक कहते थे कि अपने बाप दादा के तरीकों पर अगर हम जमे ना रहते तो इस पैगंबर ने तो हमें गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्या उस अफर रही तमान तखजा इला हवा हो, क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है, तो क्या ऐसे शख्स पर आप जिम्मेदार होंगे। अल्लाह ताला ने सवाल किया है कि आपको दुनिया में कभी कोई ऐसा शख्स दिखा है जो अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता हो। सारी दुनिया ही ऐसी है ऑलमोस्ट कि लोग ख्वाहिश के बंदे बने हुए हैं, रब के बंदे तो कम ही हैं जो रब की मानना चाहते हैं, जो रब की बात को आगे रखते हैं। आगे तो वो रखेगा ना जिसे पता हो रब की बात कौन सी, वरना तो अपनी ही बात रह जाती है या अपने जैसों की बात रह जाती है। या आप ख्याल करते हैं कि उनमें से अक्सर लोग सुनते या समझते हैं वो चौपायों जैसे हैं, बल्कि वो रास्ते से ज़्यादा भटके हुए हैं। जानवर के बारे में आप जानते हैं कि नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, दलील की कोई बात जानवरों को सुनाई नहीं जा सकती, जानवरों को कुछ कहने वो अपनी मर्जी करते हैं। तो जो लोग दलील की सतह पर यानी दलील कबूल नहीं करते, दलील नहीं मानते, वो भी जानवरों की सतह पर आ जाते हैं। जिनके कानों में रब की बात पड़ती है लेकिन समझ नहीं आती, उसको तवज्जो देने के काबिल नहीं रहते। जानवर अपने मकसद ज़िंदगी को पहचानता लेकिन इंसान मकसद ज़िंदगी को नहीं पहचानता, इस लिहाज से वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है।
रुकू नंबर 3 है, अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्दा ज़िल्ला, क्या आपने अपने रब को नहीं देखा कि उसने साए को किस तरह फैला दिया है, और अगर वो चाहता तो उसे ज़रूर साकिन बना देता, फिर हमने सूरज को उस पर दलील बनाया। अल्लाह ताला साए को फैलाता भी है, चाहता तो बिल्कुल साकिन कर देता, ना साए कभी लंबे होते ना साए कभी छोटे होते। उसने सूरज की रोशनी को साए पर दलील बनाया है, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ समेटा। आहिस्ता आहिस्ता समेटना, अल्लाह ताला साए को आहिस्ता आहिस्ता समेट लेते हैं, यानी जैसे सूरज गुरूब होने की तरफ जाता है साया भी सिमट जाता है। और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा पोश और नींद को आराम बनाया और दिन को जी उठने का वक्त बनाया। अल्लाह ताला ने रात को पर्दा पोश बनाया, सुकून का सबब बनाया, नींद को बायसे आराम बनाया, और दिन की रोशनी काम का पैगाम लेकर आती है, क्योंकि इंसान फ्रेश हो जाता है जब सुकून मिल जाता है, जब हरकत ख़त्म हो जाती है, नींद में इंसान को एहसास भी नहीं रहता। फिर जब इंसान दोबारा उठता है तो दोबारा उठ के यानी काम का शुरू कर देता है, तो नींद को मौत जैसा, जी उठने को बस बादुल मौत जैसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें मारने के बाद दोबारा ज़िंदा किया, और उसी की तरफ इकट्ठे होना है। और वही है जिसने अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजा, और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी उतारा। बारिश से पहले, बादलों से पहले हवाएं आती हैं, बारिश की खुशखबरी लेकर आती हैं। और अब देखिए कि जो पानी बारिश के ज़रिए से इंसानों तक पहुंचता है, उसका रंग बू जायका कुछ भी बदला हुआ नहीं होता। पानी तो पाक है, उसे कोई चीज़ नापाक, उसे कोई चीज़ पाक नहीं करती, पानी ही हर चीज़ को पाक करता है, ताकि उसके ज़रिए हम मुर्दा शहर को ज़िंदा करें और उसमें बहुत से चौपायों और इंसानों को पानी पिलाएं जिनको हमने पैदा किया। अल्लाह ताला बारिश से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं और इंसानों और मवेशियों को पानी से सैराब करते हैं। और बिलाशुबा यकीनन हमने इसे उनके दरमियान फिर फिर कर बयान किया है ताकि वो सबक हासिल करें, फिर भी अक्सर लोगों ने नाशुक्री के सिवा कुछ नहीं माना। अल्लाह ताला बारिश को फिर फिर कर बरसाते हैं, लेकिन अक्सर लोगों की इनकार के सिवा कोई रविश नहीं होती। और अगर हम चाहते तो ज़रूर हर बस्ती में एक डराने वाला भेजते। अल्लाह ताला ने सारे जहान वालों के लिए एक ही खबरदार करने वाला भेजा ताकि सारी इंसानियत रिसालत पर जमा हो जाए, लोग बाहमी इख्तलाफ का शिकार ना हो। चाहता तो हर बस्ती में अलग अलग डराने वाला भेज देता, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो लोग आए, मुख्तलिफ इलाकों में आए, एक ही वक्त में भी आए। वलिकुल्ली क़ौमिन हाद, कुरान कहता है हर कौम के लिए एक रहनुमा अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर रहा है। चुनांचे आप काफिरों की बात ना माने और इस कुरान के साथ उनसे जिहाद करें, बहुत बड़ा जिहाद, यानी काफिरों की बात मानकर इस खैर को ना छोड़ें जिसके लिए आपको भेजा गया। कुरान मजीद की तालीम और उसकी नशर व इशात के लिए आप इंतज़ाम करें। वजाहिद हम बिही जिहादन कबीरा, और इस कुरान के साथ उनसे जिहाद करें, बहुत बड़ा जिहाद। कुरान हकीम के ज़रिए से जिहाद करने का मतलब ये है कि कुरान मजीद के अहकामात को खोल खोल कर बयान करें, जिनमें अच्छे आमाल पर खुशखबरियाँ दी गई और बुरे आमाल पर वईदें दी गई हैं। कुरान मजीद की तालीम को आम करने के लिए उनकी नशर व इशात के लिए जिहाद करें, यानी स्ट्रगल करें, अपनी हिम्मत ताकत वक्त माल सब कुछ लगाएं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करें। और वही है जिसने दो समंदरों को मिला दिया, ये मीठा है प्यास बुझाने वाला है और ये नमकीन कड़वा है,
और उसने दोनों के दरमियान एक पर्दा और मजबूत आड़ कर दी। अल्लाह ताला ने दो समंदरों को इस तरह मिला रखा है कि खारा मीठे को खराब नहीं करता। मीठा और खारा पानी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। पानी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। और जहां तक एक पर्दा बनाने की बात है, मजबूत आड़ की बात है, इसका तस्करा हमें सूरा रहमान में मिलता है, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान। दो समंदरों को उसने मिला दिया जो ऐसे वहां मिल जाते कि उनके दरमियान पर्दा है, वो आगे नहीं बढ़ते। और वही है जिसने इंसान को पानी से पैदा किया, फिर उसे नसब वाला और ससुराल वाला बनाया। जस्ट इमेजिन, एक नुतफे से परवान चढ़ने वाला इंसान कितने रिश्ते रखता है। नसब वाला बना दिया उसी नुतफे को, ससुराल वाला भी बना दिया उसी नुतफे को। और आपका रब हमेशा से पूरी कुदरत रखने वाला है। एक पानी से अल्लाह ताला ने बशर को पैदा किया, उससे नसब और ससुराल के रिश्ते चलाए। क्या आप जानते हैं कि इंसानी रिश्तेदारियों की बुनियाद भी पानी पर है? सारी रिश्तेदारियां पानी की वजह से वजूद में आई, और जिंदगी पानी से मुतालिक है। हर चीज जो जहान में पैदा होती है उसके लिए पानी चाहिए। पौधे लगाने हैं, पानी चाहिए, जानवरों को पानी चाहिए, हर चीज की बका पानी के साथ है। तो यहाँ पानी से मुराद नुतफा है, नसब से मुराद वो रिश्तेदारियाँ जो माँ बाप की तरफ से हों, और दूसरी ससुराली रिश्तेदारियाँ जो शौहर के लिए बीवी की तरफ से, बीवी के लिए शौहर की तरफ से हों। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को समझाने के लिए इंसानी रिश्तेदारियों की बुनियादों की बात की है कि इसकी बुनियाद पानी पर है। वो याबुदून मिन दूनिल्लाही मा ला यनफअुहुम वला यज़ुर्रुहुम, और वो अल्लाह ताला के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो उन्हें ना ही नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना ही नुकसान दे सकते हैं। और काफिर अपने रबी के खिलाफ मददगार बना हुआ है। आप उनकी इबादत करते हो जो ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। काफिर रब की मुखालफत में शैतान का मददगार बना हुआ है। और हमने आपको खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को नेक आमाल पर जन्नत की खुशखबरी देने वाला और नाफरमानों को बुरे आमाल से डराने वाला बनाकर भेजा है। अब कह दें कि मैं इस काम का तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मगर यह कि जो चाहे अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले। यानी मैं तो आपसे दावत व तबलीग के काम पे, तालीम के काम पर कोई अजर नहीं मांगता। व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दी, और आप उस जिंदा पर भरोसा करें जिसे मौत नहीं आएगी, और आप उसकी हम्द के साथ तस्बीह करें, और वह अपने बंदों के गुनाहों की पूरी तरह खबर रखने वाला है। अपने तमाम मामलात में अल्लाह ताला पर भरोसा करें जो हमेशा से जिंदा है, जिसको कभी मौत नहीं आएगी, जिसने आसमानों को और ज़मीन को और उनके दरमियान को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर बुलंद हुआ, वसी रहमत वाला। सो आप उसके बारे में किसी पूरी खबर रखने वाले से पूछ लें। अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ, यानी सारे कामों के बाद सारी मखलूकात के लिए अर्श छत है, वसी और इंतहा दर्जे का हुसन रखने वाला है। और जब उनसे कहा जाता है उस जुदूल रहमान, रहमान को सजदा करो, कालू अमर रहमान, वो कहते हैं कि रहमान क्या है, अनसजुदुली माता अमरुना, क्या हम उसे सजदा करें जिसके लिए तुम हमें हुक्म देते हो। और इस बात ने उनके बिदकने में और इजाफा कर दिया। तो रहमान की निशानी किसी जानने वाले से पूछो। रुकू नंबर 4 है, तबारक अल्लज़ी जाल फिस्समाई बुरूजं वजाल फीहा सिराजं वकमरं मुनीरा
बहुत बरकत वाला है जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें एक चराग और एक रोशनी करने वाला चांद बना दिया। अल्लाह ताला बड़ी बरकतों वाला है जिसने आसमान में खूबसूरत बुर्ज बनाए, सूरज और जगमगाता चांद भी बना दिया। और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया, हर उस शख्स के लिए जो चाहे कि नसीहत हासिल करे या शुक्रगुजार बनना चाहे। अल्लाह ताला ने रात और दिन का ऐसा निज़ाम बनाया है जो भी गौर फिक्र करता है नसीहत हासिल करता है और अल्लाह के शुक्र में डूब जाता है। वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी और आजजी से चलते हैं, यानी सीधी शरीफाना चाल चलते हैं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जाहिल उनसे गुफ्तगू करें तो सलाम कह देते हैं, यानी बहस बराए बहस नहीं करते, सलाम कह के अलग हो जाते हैं। रहमान के बंदे तो सभी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिन्हें रहमान के बंदे कहा है उनमें ख़ास औसाफ हैं, तो उसके असल बंदे वही हैं जो इन औसाफ के हामिल हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा, और जो अपने रब के लिए सजदे और क़याम में रात गुजारते हैं। रहमान के बंदे अपने रब के हुजूर सजदे करते हैं, क़याम में रातें गुजारते हैं। जो लोग सारा साल नहीं गुजार सकते उन्हें कम अज़ कम रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों को, और रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़रूर मेहनत कर लेनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई लैलतुल क़द्र में क़याम करे गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये क़याम इतनी बड़ी चीज़ है। वल्लज़ीना यकूलूना रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, और जो कहते हैं ऐ हमारे रब हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे, यकीनन इसका अजाब हमेशा चिमटने वाला है। जहन्नम के अजाब से बचने के लिए रहमान के बंदे दुआएं करते हैं। बिला शुबा वो बहुत ही बुरी ठहरने की जगह और इकामत की जगह है। रहमान के बंदे यकीन रखते हैं कि जहन्नम बहुत बुरी जगह है, और वो लोग के जब वो खर्च करते हैं तो ना वो फजूल खर्ची करते हैं और ना कंजूसी करते हैं, और उनका खर्च उसके दरमियान एतदाल पर होता है। रहमान के बंदों की चाल भी मुतवाजन, रहमान की बंदों की मईशत भी मुतवाजन है। ऐसा नहीं है कि हाथ खोले तो सब कुछ खर्च कर दे या रोकना चाहे तो सभी कुछ रोक लें। कंजूसी दरअसल माल की मोहब्बत की इंतहा का नाम है, जिसमें इंसान ना खुद फ़ायदा उठाता है, ना घर वालों को, ना माशरे को कोई फ़ायदा पहुँचाता है। इंसान दुनिया से चले जाते हैं, कंजूसी की दास्तानें छोड़ जाते हैं। सैयद अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब बंदे सुबह को उठते हैं दो फरिश्ते आसमान से न उतरते हों, एक कहता है अल्लाह या अल्लाह खर्च करने वालों को और ज़्यादा अता कर दे, और दूसरा कहता है या अल्लाह मुमसिक बखील के माल को ज़ाया कर दे, बखील के माल को तबाह व बर्बाद कर दे। ये बुखारी की 1442 नंबर रिवायत है। तो रहमान के बंदे ना बखल करते हैं, ना हकदारों का हक मारते हैं, हसब ज़रूरत खर्च करते हैं, ना वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, वो दरमियानी राह चलते हैं। रहमान के बंदे जैसे ज़िम्मेदाराना तौर पर कमाते हैं, ज़िम्मेदाराना तौर पर ही खर्च करते हैं। और इसराफ़ कहते हैं कंजम्पशन को, अल्लाह ताला की नाफरमानी में खर्च करना, अल्लाह ताला की इताअत में खर्च ना करना। जिन उमूर में खर्च करना वाजिब है उनमें इतदाल की हद से निकल जाना, मुबाह उमूर में इतदाल की हद से निकल जाना, तो ये रहमान के बंदों की खासियत है कि वो दरमियानी रास्ता अख्तियार करते हैं हर मामले में। और जो अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा माबूद नहीं पुकारते, और जिस जान को अल्लाह ताला ने हराम किया है उसे कत्ल नहीं करते मगर हक के साथ, और वो जिना नहीं करते, और जो शख्स ये काम करेगा वो सख्त गुनाह को मिलेगा। रहमान के बंदे
अल्लाह ताला के सिवा किसी को माबूद नहीं मानते, कत्ल और जिना से बचते हैं। किसी जान को नाहक कर कत्ल करना माशरे की बदमनी, बेसुकूनी और बेतमिनानी का बायस बनता है। एक जान को कत्ल करना गोया सारी इंसानियत को कत्ल करना है। क़यामत के दिन उसके लिए अजाब दो गुना कर दिया जाएगा और वो उसी में हमेशा जलील किया हुआ रहेगा। मुशरिक, कातिल और जानी के लिए क़यामत के दिन दो गुना अजाब होगा, उसी में हमेशा जलील किया हुआ रहेगा। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए तो यही लोग हैं जिनकी बुराइयों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देगा और अल्लाह ताला हमेशा से बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। जिसने शिर्क, कत्ल, जिना और दूसरे गुनाहों से तौबा कर ली, अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देगा। और जिस शख्स ने तौबा की और नेक अमल किए तो यकीनन वो रुजू करता है अल्लाह ताला की तरफ। सच्चा रुजू करना, जो सच्ची तौबा करके नेक अमल करे तो वो अल्लाह ताला की तरफ सच्चा रुजू करता है। और जो लोग झूठ में शामिल नहीं होते और जब किसी बेहुदा काम पर से गुजरते हैं तो शराफत से गुजर जाते हैं। रहमान के बंदे झूठ के गवाह नहीं बनते। जब बेहुदा काम पर से गुजरते हैं तो बावकार तरीके से अपने आप को बचा लेते हैं। जिन्हें जब उनके रब की आयात के साथ नसीहत की जाती है तो उन पर बहरे और अंधे बनकर नहीं गिरते। जब रहमान के बंदों को कुरान की आयात से नसीहत की जाती है तो ना उनसे वो रूगरदानी करते हैं और उन पर अंधे बहरे नहीं बनते, यानी दिल की तवज्जो उसी जानिब रखते हैं। वल्लज़ीना यकूलूना, और जो लोग कहते हैं रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजालना लिल्मुत्तकीना इमामा, ऐ हमारे रब हमें अपनी बीवियों और औलादों से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। रहमान के बंदे अपनी बीवियों और औलादों से आंखों की ठंडक चाहते हैं और मुत्तकियों का इमाम बनने की दुआएं करते हैं। यही लोग हैं जिन्हें उनके सब्र की जजा में बाला खाने दिए जाएंगे और उसमें उनका इस्तकबाल जिंदगी की दुआ और सलाम से किया जाएगा। रहमान के बंदों को उनके सब्र की जजा में बाला खाने दिए जाएंगे और उनका इस्तकबाल दुआ और सलाम से किया जाएगा। खालिदीन फीहा हसुनत मुस्तकर्रम व मकामा, मुस्तकर्रम व मुकामा, उसमें हमेशा रहने वाले हैं, बहुत अच्छी ठहरने और रहने की जगह है। रहमान के बंदे बाला खानों में हमेशा रहेंगे, नहायत नफीस, पाकीज़ा और आरामदेह मकाम है। कुल मा याबू बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, आप कहें अगर तुम्हारी दुआ ना होती तो मेरा रब तुम्हारी बिल्कुल परवाह ना करता। सो यकीनन तुमने झुठला दिया तो जल्द ही उसका अंजाम चिमट जाने वाला है। यानी अगर तुमने दुआए इबादत और दुआए मसला में अल्लाह ताला को ना पुकारा होता तो तुम्हारी कभी भी परवाह ना करता, ना तुमसे मोहब्बत करता। तो अब जब तुमने कुफ्र कर दिया, झुठला दिया, तो तुम्हारी क्या हैसियत रह गई? अल्लाह ताला का अजाब तुम्हें ऐसे चिपक जाएगा जैसे कर्ज लेने वाला मकरूज के साथ चिमट जाता, यानी बच के कहीं जा नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल-फुरकान कंप्लीट हुई। हकीकतन अल-फुरकान है हक और बातिल में फ़र्क करने वाली। इबादुर्रहमान की खसूसियात हैं तो इससे मुतजाद लोगों की खसूसियात का भी पता चलता है। जो रहमान के पैदाइशी बंदे तो हैं लेकिन अमली बंदे नहीं बनते। अल्लाह ताला से दुआ है हमें रहमान के बंदों की सारी खसूसियात अपनाने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सम्मा आमीन। अल्लाह के पाक नाम से सूरह शुअरा का आगाज करते हैं। 11 रुकू और 227 आयात पर मुश्तमिल है। ये मक्की सूरत है, मुसफ में तरतीब के अतबार से 26 नंबर पर है।
और तरतीब नुजुली के अतबार से 47 नंबर पर है। सूरा अश्वरा का आगाज रुकू नंबर 5 से हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तौसीम, ये वो हरूफ हैं जिनके मानी को अल्लाह ताला ही जानता है। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़े किताब की आयात हैं, कुरान मजीद की आयात रोशन और वाज़े हैं, यानी किसी किस्म का इबहाम नहीं। लअल्लक बाख़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, शायद आप खुद को हलाक करने वाले हैं कि वो मोमिन क्यों नहीं होते। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया है, लगता है इनके गम में घुल घुल कर जान ही दे डालोगे कि वो ईमान क्यों नहीं लाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के हक़ में इंतहाई शफीक और हमदर्द थे। आपको इल्म था कि लोग हिदायत नहीं पाएंगे, मेरी मुखालफत करेंगे तो जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे, इसलिए आपको उनकी मुखालफत का बड़ा दुख होता था। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा कि आप लोगों की हिदायत के इतने हरीस हैं, लगता है उनके गम में घुल घुल कर जान दे डालोगे कि वो ईमान क्यों नहीं लाते। ये खैरख्वाही है, उसकी पीक है। अगर हम चाहें तो उन पर आसमान से कोई निशानी उतार दें, फिर उनकी गर्दनें उसके सामने झुकने वाली हो जाएं, यानी ऐसी निशानी आ जाए कि सब तस्लीम किए बगैर ना रह सकें, और उनके पास रहमान की तरफ से कोई नई नसीहत नहीं आती मगर वो उससे मुंह मोड़ने वाले होते हैं। यानी जब कोई आसमानी किताब नाजिल होती है, सुनते हैं फिर मुंह मोड़ जाते हैं। बस यकीनन जब उन्होंने झुटला ही दिया है तो अब जल्दी उनके पास उनकी खबरें आएंगी जिनका ये मजाक उड़ाते थे। उन्होंने हक को झुटलाया, अब वो अपने झुटलाने का नतीजा भुगतेंगे। और क्या उन्होंने जमीन को नहीं देखा कि हमने उसमें हर किस्म की उम्दा नबातात उगाई हैं, यानी ज़मीन की नबातात से उनके मुजाती तौर पर उगने का शऊर दिलाया है। इन नफीजा ली कल आया, बेशक इसमें यकीनन एक निशानी है और इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। ज़मीन की ज़िंदगी में मौत के बाद उठने की निशानी है मगर अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। जैसे ज़मीन मुर्दा पड़ी है, उसमें बीज डाला गया, पानी डाला, अब वो लहलहाने लग गई, ऐसे ही मौत के बाद इंसान भी लहलहाने लग जाएंगे। ज़िंदगी अल्लाह ताला का मौजज़ा है, लेकिन ये मौजज़ा ज़मीन पर आहिस्तगी के साथ जारी रहता है। मसलन पौधों, जानवरों और इंसानों की सूरत में अगर मिट्टी से अचानक जानवर निकल आए तो अचानक निकल जाने की वजह से इंसान उससे खालिक होने का सबक नहीं लेता। ममाका न अक्सर हम मोमिनीन, उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। हालांकि ज़मीन की ज़िंदगी मौत के बाद की ज़िंदगी की निशानी है, और यकीनन आपका रब सब पर गालिब है, नहायत रहम वाला है। अगरचे इंतकाम लेने की कुदरत रखता है लेकिन वो रहीम है, इसलिए फौरन नहीं पकड़ता। रुकू नंबर 6 है और यहाँ से वाक़ियात का आगाज़ होता है। वइज़नादा रब्बुका मूसा अन इतिल क़ौमा ज़ालिमीन, और जब आपके रब ने मूसा को पुकारा कि तुम जालिम कौम के पास जाओ। अल्लाह ताला ने सईदा मूसा से कहा जब वो आग की तलाश में कोह तूर पर पहुँचे कि जालिम कौम के पास जाओ, फिरौन की कौम के पास, क्या वो डरते नहीं? उसने कहा है मेरे रब यकीनन मैं डरता हूँ, वो मुझे झुटला देंगे और मेरा सीना तंग हो रहा है और मेरी ज़ुबान चल नहीं रही। अंदर खौफ था ना, क्योंकि एक किब्ती का कत्ल करके आए थे कि अब कैसे जाऊं, जाते ही मार दिया जाएगा। कहते मेरी ज़ुबान चल नहीं रही, लिहाजा आप हारून की तरफ वही भेज दें, यानी मेरी ज़ुबान में लुकनत है, मेरी ज़ुबान में घेरा है, जब तक खुलेगी नहीं मेरा माफ़ी ज़मीर पहुँचेगा नहीं, और मुझ पर उनका एक गुनाह भी है, बस मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं,
फजबा भी आयातिना, फिर तुम दोनों हमारी निशानियों के साथ जाओ, यकीनन हम तुम्हारे साथ खूब सुनने वाले हैं। तो दोनों फिरौन के पास जाओ, फिर दोनों कहो यकीनन हम रब्बुल आलमीन का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। फिरौन को बता दो हमें रसूल की हैसियत से भेजा गया है, ये कि बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे। फिरौन पर अपना मकसद वाज़ह कर दें कि हम गुलामों को छुड़ाने के लिए आए हैं। काला अलम नुरब्बी का फीना वलीदम वलबिस्ता फीना मिन उमरी का सीनीन। फिरौन ने कहा क्या हमने अपने हाथ तुम्हें बच्चा सा पाला नहीं था और तुम हमारे यहाँ अपनी उम्र के कई साल रहे, यानी तुम समंदर दरिया में बहते बहते आए थे, हमने तुम्हें उठाया था और हमने तुम्हें पाला। जिंदगी के कई बरस जिस बच्चे को पालने पोसने में लग गए, वो बच्चा उठे और ये कहे कि अब बनी इसराइल को मुझे वापस कर दो। वफाल तफा अल्लाह तक, और तुमने अपना वो काम किया जो तुमने किया और तुम नाशुकरों में से हो। फिरौन ने कहा हम तुम्हें पालते रहे, तुमने हमारे आदमी को मार डाला और हमारी नाशुकरी की। मूसा ने कहा मैंने ये काम तब किया था जब मैं रास्ता गुम करने वालों में से था, यानी मेरे पास नबुव्वत की हिदायत नहीं थी। फिर जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं तुमसे भाग गया, तो मेरे रब ने मुझे हिकमत अता की और रसूलों में से बनाया, यानी मैं मदियन की तरफ चला गया था, कई साल वहाँ रहा, फिर अब मैं तुम्हारे पास नए दौर में आया हूँ क्योंकि बादशाह भी बदल चुका था। और यही वो एहसान है जो तुम मुझ पर जता रहे हो कि तुमने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। सईदा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारे एहसानात की हकीकत यह है कि तुमने मेरी सारी कौम गुलाम बना रखी है, यानी मुझे तो आज़ाद कर दिया लेकिन मेरी सारी कौम गुलाम है। तुम तो बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल कर देते थे, इसलिए तो मेरी माँ ने संदूक में डालकर दरिया में डाल दिया था और वो संदूक तुम्हारे करीब आन लगा था और तुमने मुझे पाला था। काला फिरौन वमा रब्बुल आलमीन, फिरौन ने कहा रब्बुल आलमीन क्या। गुफ्तगू पलट गई और बात रब्बुल आलमीन पर आ गई। फिरौन ने यह सवाल तकब्बुर की वजह से मजाक उड़ाने के लिए किया था, वरना वो तो कहता था मालिम तो लकुम मिन इलाहिन गैरी, मैं अपने सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं समझता। मूसा ने कहा रब्बुस समावाती वल अर्दी वमा बैनहुमा, आसमानों का और ज़मीन का और उनका भी रब जो उनके दरमियान है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी झंझलाहट के बगैर मोतदिल अंदाज में जवाब दिया। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द वालों से कहा अला तस्तमियून, क्या तुम सुनते नहीं हो। तकब्बुर में डूबे हुए लहजे से उसने कहा ये शख्स क्या कह रहा है, सुनते हो। काला रब्बुकुम व रब्बु आबाईकुम अल्लवलीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने परवाही नहीं की, कहा वो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का रब भी है, यानी तफ़सीरों की परवाह किए बगैर अपने रब के बारे में तारुफ करवाने का सिलसिला जारी रखा। फिरौन ने कहा तुम्हारी तरफ जो रसूल भेजा गया है यकीनन वो मजनून है। मूसा अलैहिस्सलाम दीवाना करार दे दिए गए। मूसा ने कहा परवाही नहीं, रब्बुल मशरिक़ वल मगरिब, वो मशरिक़ व मगरिब और उनके दरमियान का रब है, अगर तुम समझते हो। सईदा मूसा ने ये सोचा ही नहीं मुझे किसी ने दीवाना कहा है, बल्कि तारुफ का सिलसिला जारी रखा कि मेरा रब तो वो है जिसने मशरिक बनाए, मशरिकों का मालिक है, जहाँ से सितारे तुलू होते हैं, सूरज तुलू होता है, और वो रब है मगरिब का जहाँ सूरज डूब जाता है। फिरौन ने कहा अगर तुमने मेरे सिवा किसी को माबूद बनाया तो मैं ज़रूर तुम्हें कैद किए हुए लोगों में शामिल कर दूंगा। फिरौन ने दलाइल की बजाय धमकी का रास्ता अख्तियार किया कि तुम कैद कर दिए जाओगे। मूसा ने कहा और क्या अगर मैं कोई वाज़े चीज़ तुम्हारे सामने ले आऊँ, यानी रिसालत की निशानी, अगर मैं कोई मौजा ले आऊं तो मेरी सच्चाई को तस्लीम नहीं करोगे। फिरौन ने कहा अच्छा अगर तुम सच्चों में से हो तो ले आओ,
लाजवाब होकर उसने कहा, दावे में सच्चे हो तो दिखाओ मौजज़े। फअल्का असाहु फइज़ा हिय सौबानुन मुबीन, पस मूसा ने अपनी लाठी फेंक दी। फिर अचानक वो वाज़े अजदा था, यानी असा से नर सांप बन गया, जो सब पर जाहिर था, उसमें कोई शक नहीं था। और उसने अपना हाथ निकाला, तब वो देखने वालों के लिए सफेद चमकदार था, बहुत ज्यादा रोशन था, बीमारी नहीं थी। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द के सरदारों से कहा, यकीनन ये एक माहिर जादूगर है, मौजज़ात देखकर दुश्मनी करते हुए सईदा मूसा को जादूगर करार दिया। वो इरादा रखता है कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम क्या हुक्म देते हो? फिरौन ने सरदारों को भड़काने के लिए कहा, मूसा तो जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल कर खुद कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कहा, आप इसे और इसके भाई को मोहलत दे दें और शहरों में इकट्ठा करने वाले हरकारे भेज दें। वो हर बड़े माहिर जादूगर को आपके पास ले आए। फिरौन ने सरदारों की राय पर अमल करते हुए हरकारे दौड़ाए कि हर माहिर जादूगर को ले आए। फिर एक मुतय्यन दिन के मुकर्रा वक्त पर तमाम जादूगर इकट्ठे किए गए। ये मेले का दिन था जब तमाम जादूगरों को जमा किया गया और लोगों से कहा गया, हलन तुम मुजतमियून, क्या तुम जमा होने वाले हो? मेले का दिन है और ये गुफ्तो शनीद जारी है, शायद कि हम जादूगरों के पैरोकार बन जाएं अगर वो गालिब रहने वाले हों। लोगों से कहा गया, सब लोग हाजिर हो जाएं ताकि जादूगर गालिब आ जाएं तो हम उनके तरीके की पैरवी कर सकें। फिर जब तमाम जादूगर आ गए तो उन्होंने फिरौन से कहा, क्या यकीनन हमारे लिए ज़रूर कुछ सिला तो होगा ना अगर हम गालिब हुए? जादूगरों ने फिरौन के दरबार में पहुंचते ही पूछा, अगर हम फतह याब हुए तो हमें इनाम तो मिलेगा ना? फिरौन ने कहा, हाँ, और यकीनन तब तुम ज़रूर मुकर्रब लोगों में से हो जाओगे। फिरौन ने यकीन दहानी करवा दी, इनाम भी मिलेगा कुर्ब भी। मूसा ने उनसे कहा, फेंको जो भी तुम फेंकने वाले हो। सईदा मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को आगाज करने का मौका देकर वाजे कर दिया कि वो शोभदा बाजियों से खौफ खाने वाले नहीं हैं। फअल्कौ हिबालहुम व इसयहुम व कालू बिइज्जत फिरौन, तो उन्होंने अपनी रस्सियां और अपनी लाठियां फेंक दी और उन्होंने कहा, फिरौन की इज्जत की कसम, यकीनन हम ज़रूर गालिब आने वाले हैं, यानी हम ज़रूर जीतेंगे। फिर मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, तब यकायक वो निगल रही थी जो झूठ वो घड़ते थे। सईदना मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने जादूगरों की डाली हुई रस्सियाँ और लाठियाँ निगलनी शुरू कर दी। इतना बड़ा सांप तो होगा कि वो लाठियाँ भी खा रहा था, रस्सियाँ भी खा रहा था। फ़ल्किया सहरत साजिदीन, फिर सारे जादूगर सजदे की हालत में डाल दिए गए। जादूगरों के दिल में जब यकीन आया, वो यकीन की वजह से सच्चाई के रूप की वजह से सजदे में डाल दिए गए। कालू आमन्ना भी रब्बिल आलमीन, जादूगरों ने कहा, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए, रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर। जादूगरों ने ईमान लाते हुए कहा, मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए हैं। फिरौन ने कहा, तुम उस पर ईमान ले आए इससे पहले ही कि मैं तुम्हें इजाजत दूं? यकीनन वो जरूर तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है, सो बेशक जल्द ही तुम जान लोगे, मैं जरूर तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ समझ से बुरी तरह काटूंगा और तुम सबको जरूर बुरी तरह सूली चढ़ाऊंगा। फिरौन ने जादूगरों पर इल्जाम लगाया और धमकाया, ऐसी सजा दूंगा कि सारी दुनिया तुम्हारी जिल्लत का तमाशा करेगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। कालू ला ज़ईर इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, उन्होंने कहा, कोई हरज नहीं, यकीनन हम अपने रबी की तरफ लौटने वाले हैं।
यानी मौत तो आनी है, हमें अपनी जानों की परवाह नहीं, हम लौट कर जाएंगे तो रब के पास चले जाएंगे, वो हमारे अमाल को ज़ाया नहीं करेगा। इन्ना नतमउ अन यग़फिर लना रब्बुना खतायाना, यकीनन हम तमा रखते हैं कि हमारा रब हमारी खताओं को माफ़ कर दे, क्योंकि हम ही सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। जादूगरों ने फिरौन की धमकी का जवाब देते हुए कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमारी खताएं बख्श देगा। रुको नंबर 8 है, और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों को रातों रात ले चलो, रात मेरे बंदों को रात को ले चलो, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। तो फिरौन ने शहरों में इकट्ठा करने वालों को भेजा, फिरौन ने लश्कर तैयार करने के लिए शहरों में हरकारे भेज दिए, यकीनन ये लोग बेशक एक थोड़ी सी जमात हैं। फिरौन ने मिस्रियों के हौसला बढ़ाने के लिए बनी इसराइल की तादाद कम करके बताई, वह इन्नहुम लना लगाइज़ून, और बिलाशुबा वो ज़रूर हमें गुस्सा दिलाने वाले हैं, यानी मुट्ठी भर लोग हैं, इन्होंने हमें गुस्सा चढ़ा दिया है। वह इन्ना लजमीउल हाज़िरून, और यकीनन ज़रूर हम सब चौकन्ने रहने वाले हैं। फिरौन ने कहा था हम सब मोहतात लोग हैं, इसलिए इनका कला कमा करना ज़रूरी है। फअखरजना हम मिन जन्नातिन व उयून, तो हमने उन्हें बाहों और चश्मों से निकाला, खुद नहीं निकले थे। रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े किया, वो इतने ऐशो आराम में थे, उससे हम ही ने उन्हें निकाला। वकुनूज़िम व मकामिन करीम, और ख़जानों और उम्दा जगह से, अल्लाह ताला ने फिरौनियों को ख़जानों और उम्दा जगह से निकाला था। कज़ालिका व औरसनाहा बनी इसराइल, इसी तरह हुआ और हमने बनी इसराइल को उन चीज़ों का वारिस बना दिया, यानी इख्तदार और बादशाहत अता की। फअतबउहुम मुशरिकीन, तो उन्होंने सूरज निकलते ही उनका पीछा किया, यानी बनी इसराइल का ताकुब किया। फिर जब दोनों ग्रोह ने एक दूसरे को देखा तो मूसा के साथियों ने कहा यकीनन हम जरूर पकड़े जाने वाले हैं, यानी हम तो पकड़ लिए गए। ये मौका तवक्कुल अल्लाह का था, अल्लाह ताला से उम्मीद बांधने का था। उन्होंने लश्कर को देखा, उस लम्हे अपने रब को नहीं देखा, इस वजह से वो घबरा गए। जानते हैं एंग्जाइटी क्यों होती है? एंग्जाइटी की कॉज ये है कि इंसान के दिल में, इंसान आप ये समझ लें कि उसका दिल नेगेटिवली वायर्ड हो जाता है, उसके दिल में मनफी ख्यालात बहुत आते हैं। तो ऐसे मौके पर इंसान का रब की ज़ात पर यकीन ख़त्म हो जाता है। मूसा ने कहा हरगिज नहीं, यकीनन मेरे साथ मेरा रब है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। फअवहीना इला मूसा अनिद्रिब बियसा कल बहर, तो हमने मूसा को वही भेजी कि अपनी लाठी को समंदर पर मारो, बस वो फट गया तो हर हिस्सा एक अजीम पहाड़ जैसा हो गया। और दूसरे फरीक को हमने वहाँ करीब कर दिया, यानी फिरौन के लश्करों को, और हमने मूसा को और उन सब को जो उसके साथ थे नजात दिलाई। फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया, फिरौनियों को उसी समंदरी रास्ते से गुजरते हुए गर्क कर दिया। इन नफीजा लिकल आया, बिलाशुबा इसमें यकीनन एक निशानी है, और उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। इस वाक़े में सईदा मूसा अलैहि सलाम की दावत की सदाकत और फिरौन के बातिल होने की बड़ी निशानी है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। वह इन्ना रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आपका रब सब पर गालिब नहायत रहम वाला है। वह अपनी रहमत की वजह से लोगों को मौके देता है, अगरचे लोगों पर गलबा रखता है, लेकिन वह अपनी रहमत की वजह से इबरत हासिल करके ईमान लाने के मौके देता है। रुकू नंबर 9 है, वतलू अलैहिम नबा इब्राहिम, और आप इन्हें इब्राहिम की खबर पढ़कर सुनाएं। अल्लाह ताला ने सईदना इब्राहिम अलैहि सलाम के अजीम वाकयात की खबर देने का हुक्म दिया। फिरौन जैसे जाबिर बादशाह की हलाकत के बाद एक और जाबिर बादशाह
नमरूद के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन का तारुफ पेश किया। दोनों वाक़यात में रब्बुल आलमीन का तारुफ सेम है, बादशाहों का जुल्म, नबियों का डटे रहना, हक का गलबा, ये मुश्तरका बातें हैं अम्बिया की। इस क़ाल अली अबी ही व कौमी ही मा ताबुदून, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा तुम किसकी इबादत करते हो, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम से बुतों की इबादत के बारे में सवाल किया। कालू नाबुदु अस्नामन फनज़ल्लू लहा आकिफीन, उन्होंने कहा हम बुतों की इबादत करते हैं बस हम उन्हीं के मुजावर बने रहते हैं। कौम ने बुतों पर फख्र करते हुए कहा हम इन बुतों के लिए इतकाफ में बैठते हैं और इनकी इबादत करते हैं। इब्राहिम ने कहा क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो, यानी अक्ल को अपील करने के लिए सवाल किया, ये बताओ कम से कम इतना तो पता होना चाहिए आप जो इन्हें पुकार रहे हो कि वो ये समझते हैं कि कोई उन्हें पुकार रहा है, क्या कह रहा है, क्या तुम्हारी तकलीफ दूर करते हैं, क्या तुम्हें नफा नुकसान पहुंचाने पर कादिर हैं, औ यनफऊनकुम औ यज़ुर्रून, या वो तुम्हें नफ़ा पहुंचाते हैं या नुकसान देते हैं। ये सवाल तो उन्होंने इसलिए किए थे ताकि वो सोचने पर मजबूर हो जाएं, और वो मजबूर हो गए थे, समझ गए थे कि ये बुत कुदरत नहीं रखते। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नफ़े का सवाल इसलिए किया कि इंसान मफाद परस्त है, वो फ़ायदे के लिए काम करता है। उन्होंने नफ़े की बात शऊर को बेदार करने के लिए की ताकि वो समझ लें बुत हमें कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। कालू बल वजदना आबाना कज़ालिका यफ़लून, उन्होंने कहा बल्कि हमने अपने बाप दादा को पाया वो ऐसा ही करते थे। कौम दलील की सतह पर शिकस्त खाने के बाद उज़र करने लगी कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही करते पाया है। काल अफराई तुम मा कुन तुम ताबुदून, इब्राहिम ने कहा तो क्या तुमने देखा जिनकी तुम इबादत करते हो, क्या तुमने गौर फिक्र किया है, एक सवाल झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि तुमने बेसोचे समझे जिनकी इबादत शुरू कर रखी है, कभी उस पर गौर भी किया है, अंतुम वाबाउकुमुल अक़दमून, तुम और तुम्हारे पहले बाप दादा भी सब बुतों की इबादत में एक हैं। फ़इन्नहुम अदुव्वुली इल्ला रब्बल आलमीन, सो बिलाशुबा वो सब मेरे दुश्मन हैं सिवाय एक रब्बुल आलमीन के। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन के सिवा झूठे माबूदों को अपना दुश्मन करार दे दिया। अल्लज़ी खलकनी फहुवा यहदीन, जिसने मुझे पैदा किया फिर वही मेरी रहनुमाई करता है, वो जिसने मुझे पैदा किया जबकि मुझे मालूम ना था कि मेरे जिस्म के आज़ा कहाँ से जमा हुए, मेरी तख्लीक उसी की है, मेरे शऊर की गहराइयों से वो वाकिफ़ है, उसने मुझे पैदा किया वही मुझे हिदायत देने वाला है, मुझे ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, दीन और दुनिया के मामले में वो मेरी रहनुमाई करता है कि मेरे लिए नफ़ा किस चीज़ में है। वल्लज़ी हुवा युत्मुनी व यस्कीन, और वही मुझे खिलाता है और वही मुझे पिलाता है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ज़िंदगी और ज़िंदगी की ज़रूरियात उसी से हैं, वही रिस्क पैदा करने वाला है और वही पानी मुहैया करने वाला है, उसी ने असबाब पैदा किए, वही मीठा पानी पिलाता है, वही दूध पिलाता है, शहद खिलाता है, वही फल सब्जियां और अजनास खिलाता है। वही ज़ा मरिस्तु फ़हुवा यश्फीन, और जब मैं बीमार हो जाऊँ तो वो मुझे शिफा देता है, यानी तकलीफ़ में मर्ज में वो मुझे शिफा देता है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी इंतहाई तकलीफ़ यानी मर्ज का तज़किरा करके रब की करम नवाजियों का तज़किरा किया, वो मुझे शिफा देता है। मर्ज भी अगरचे अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन ये गहरी साथ रहने वाली मोहब्बत का शऊर है कि इब्राहिम ने मर्ज को अपनी तरफ, शिफा को रब की तरफ मंसूब किया। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और जो मुझे मौत देगा फिर वो मुझे ज़िंदा करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का अंजाम बताया, मेरी मौत उसी के हाथ में है फिर वो मुझे ज़िंदा करेगा। वल्लज़ी अतमाऊ अन यग़फिर ली ख़तियती यौमद्दीन, और जिससे मैं तमा रखता हूँ कि जज़ा के दिन वो मेरी ख़ता बख्श देगा।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए अपने आप को खालिस कर लिया था, अपने मामलात वो अल्लाह ताला के हवाले करते थे, उन्होंने सब बुतों से इजहार बेजारी करके अल्लाह ताला से उम्मीद का रिश्ता कायम किया था। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है मेरा रब मेरी खताएं माफ़ कर देगा। क्या आपको उम्मीद है? फिर अपनी खताएं याद करके, आज जुमे का दिन है, इसकी एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें अल्लाह ताला सारी दुआएं कबूल करते हैं, तो अपने बचपन से लेके अब तक की ज़िंदगी में अल्लाह ताला से कहें कि मुझे याद दिला दे, एक एक गलती को याद कर कर के माफ़ी मांग ले। रब्बी हबली हुक्मं व अल्हिकनी बिस्सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे नेक लोगों के साथ में ला दे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे हर चीज़ को वैसे देखें जैसे वो हकीकी तौर पर है, खोटे खरे में तमीज़ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दुआ की थी कि मुझे हिकमत अता कर दे, क्योंकि हिकमत की वजह से इंसान हकीकत तक पहुँचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसे दीन की सच्ची समझ अता फरमाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेक लोगों का साथ चाहते थे ताकि अमले सौले करने के लिए मौाक़े मिल सकें और बुराइयों से बच सकें। वजाली लिसाना सिदकिन फिल आखिरीन, और मेरी सच्ची नामवरी पिछलों में बाकी रखना। वजालनी में वरासती जन्नत नाइम, और मुझे नेमत भरी जन्नत के वारिसों में बना। बड़ी कदर व मंजिलत है जिसके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह हम सबको भी जन्नत नईम का वारिस बना। वग़फिर ली अभी, और मेरे बाप को बख्श दे, यकीनन वो गुमराहों में से था। ये दुआ तब की थी जब मग़फ़िरत की दुआ करने से रोका नहीं गया था। वला तुख़ज़िनी यौम युबासून, और मुझे उस दिन रुस्वा न करना जब सब लोग उठाए जाएंगे। शर्मिंदगी का खौफ इंसान को हमेशा रहता है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी खौफ था कि कहीं मुझे अल्लाह ताला शर्मिंदा ना कर दें, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ कर ली थी, यौम ला यन्फउ मालुम व बनून, जिस दिन न माल काम आएगा और ना ही बेटे, मगर जो अल्लाह ताला के पास सलामती वाले दिल के साथ आएगा, ऐसा दिल मोमिन का होता है, ये दिल बीमार नहीं होता। व उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, और जन्नत मुत्तकी लोगों के करीब लाई जाएगी और जहन्नुम बहके हुए लोगों पर जाहिर कर दी जाएगी, और उनसे कहा जाएगा कि वो कहाँ हैं जिनकी तुम इबादत करते थे। यानी क़यामत के दिन गैरुल्लाह के पुजारियों से पूछा जाएगा वो झूठे माबूद कहाँ हैं जिनकी तुम इबादत करते थे। अल्लाह ताला के सिवा क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या वो अपना बचाव कर सकते हैं? यानी बुत फकुब की बूफी हा हम वलगावून, फिर वो और बहके हुए लोग औंधे मुँह इसमें डाल दिए जाएंगे, और इबलीस के लश्कर सब के सब जहन्नुम में धकेल दिए जाएंगे। वो कहेंगे और वो सब उसमें बाहम झगड़ेंगे, अल्लाह की कसम बिला शुबा हम खुली गुमराही में थे जब तुम्हारी इताअत करते थे। इस नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, जब हम तुम्हें जहानों के रब के बराबर ठहराते थे हालांकि तुम बेख्तियार थे, और हमें गुमराह नहीं किया मगर इन मुजरिमों नहीं। फमालना मिन शाफीन, बस अब हमारे लिए कोई सिफारिश करने वालों में से नहीं है, ना कोई मुखलिस दोस्त है। वला सदीकिन हमीम, और ना कोई गर्म जोश दोस्त है। हश्र के मैदान में गुमराह होने वाले कहेंगे जिगरी दोस्त काम आने वाले नहीं हैं। फलऊ अन्ना लना करतन, तो काश के वाकई एक दफ़ा हमारी वापसी हो तो हम मोमिनों में से बन जाएंगे। इन्ना फी ज़ालिका लआया, बिला शुबा इसमें यकीनन एक निशानी है, और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं, और बिला शुबा आपका रब यकीनन सब पर गालिब नहायत रहम वाला है। रब्बुल आलमीन ही का गलबा है और वही रहमतों वाला है। रुकू नंबर 10 है, कज़बत कौम नूह निल मुरसलीन, नूह की कौम ने रसूलों को झुटलाया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तकजीब को तमाम रसूलों की तकजीब करार दे दिया। जब उनके भाई नूह ने उनसे कहा क्या तुम डरते नहीं हो, यकीनन मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, बस अल्लाह ताला से डरो
और मेरी इताअत करो और मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, बिलाशुबा मेरा अजर तो जहानों के रब के जिम्मे है। फत्तकुल्लाह वातीउन, बस अल्लाह ताला से डरो और मेरी इताअत करो। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तकवा इख्तियार करने और अपनी इताअत का हुक्म दिया। कालू अनुमिनु लका वत्तबाकल अर्ज़लून, उन्होंने कहा क्या हम तुझे मान लें, हालांकि तेरे पीछे वो लोग चलते हैं जो सबसे जलील हैं। यानी सोसाइटी के पिसे हुए तबकात ही में आपकी दावत ने असर किया है। काला वमा इल्मी बिमा कानू या अमलून, नूह ने कहा मुझे क्या मालूम कि वो क्या करते रहे हैं। इन हिसाबहुम इल्ला अला रब्बी लौ तशूरून, उनका हिसाब मेरे ही जिम्मे है, काश तुम समझते होते। और मैं ईमान वालों को निकाल देने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ खुला डराने वाला हूं। उन्होंने कहा नूह यकीनन अगर तुम बाज नहीं आओगे तो यकीनन जरूर तुम संसार किए गए लोगों में से हो जाओगे। नूह ने कहा ऐ मेरे रब यकीनन मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया, चुनांचे मेरे और उनके दरमियान फैसला कर दे, खुला फैसला, और मुझे और जो ईमान वाले मेरे साथ हैं उन्हें नजात दे दे। फिर हमने उसको और उसके साथियों को एक भरी हुई कश्ती में नजात दी। फिर उसके बाद हमने बाकी लोगों को गर्क कर दिया, बिलाशुबा इसमें एक निशानी है, और उनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं। ईमान वालों की नजात और काफिरों की हलाकत में नूह अलैहिस्सलाम की सदाकत की निशानी है। وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, और यकीनन आपका रब सब पर गालिब निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला जब्बारों और सरकशों पर गलबा रखता है और वो काफिरों को हलाक कर देता है। रुकू नंबर 11 है, कज़बत आदुन المرسلين, आद ने रसूलों को झुटलाया। जब उनके भाई हूद ने उनसे कहा क्या तुम डरते नहीं हो, यकीनन मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो और मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो जहानों के रब के जिम्मे है। क्या तुम हर ऊंचे मकाम पर ला हासिल ही एक यादगार इमारत बना देते हो। सैयदना हूद ने कौम से कहा तुम ऐसी इमारतें बनाते हो जिनके बेकार होने में कोई शोभा ही नहीं है, और तुम बड़े बड़े महल तामीर करते हो, शायद तुम हमेशा ही रहोगे। वैजा बतश तुम जब्बारीन, और जब तुम किसी को पकड़ते हो तो बेरहम बनकर पकड़ते हो, यानी कुव्वत और ताकत का नाहक मुजाहरा करते हो। फत्तकुल्लाह वातीउन, पस अल्लाह ताला से डरो और मेरी इताअत करो, और उस जात से डर जाओ जिसने तुम्हें उन चीजों से मदद पहुंचाई जिन्हें तुम जानते हो, उसने तुम्हें जानवरों और बेटों से मदद दी है और बागात और चश्मों से। यकीनन मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं जो कभी टलेगा नहीं। उन्होंने कहा हम पर यकसा है, हाँ तुम नसीहत करो या नसीहत करने वालों में से न बनो। कौम हूद के दिल सख्त हो गए थे, इसलिए उन्होंने कहा नसीहत करो या ना करो, हमारे लिए बराबर है। इन हाजा इल्ला खुलुकुल अव्वलीन, ये तो बस पहले लोगों की आदत है। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा पहले लोग भी नसीहतें करते रहे हैं और हम कतन अजाब दिए जाने वाले नहीं हैं। बस उन्होंने उसे झुटला दिया तो हमने उन्हें हलाक कर दिया, बिलाशुबा इसमें एक निशानी है, और इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं। وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, और बिलाशुबा आपका रब यकीनन सब पर गालिब निहायत रहम वाला है। इंशाल्लाह बाकी हिस्सा हम कल देखेंगे। इस्लाह के साथ रंग हैं। पहला रंग कुरान का रंग है। कुरान की एक आयत सिखाना 100 रकतें अदा करने से अफजल है। सैयदना अबू ज़र ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ने मुझसे फरमाया ए अबू ज़र अगर तू सुबह जाकर अल्लाह ताला की किताब की एक आयत किसी को सिखाए तो ये तेरे लिए 100 रकतें पढ़ने से बेहतर है।
और अगर तू सुबह जाकर इल्म का एक बाब किसी को सिखाए, हाँ उस पर अमल किया जाए या ना किया जाए, तेरे लिए हजार रकतें पढ़ने से बेहतर है। और दुआ का रंग है, मुझे सरमाया हयात दे दीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना। क्या आप दुआ को दोहराएंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना। या अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत, तक्वा, पारसाई और तवंगरी का सवाल करता हूँ। वुजू का रंग है, वुजू चेहरों की रौनक है। जब तुम में से कोई वुजू करता है और अच्छी तरह वुजू करता है और ये दुआ करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। इस दुआ को वुजू के बाद शामिल कर लीजिए, अपने वुजू का हिस्सा बना लें। और चौथा रंग नमाज का रंग है। सूरह अल-फातिहा में आज हम पढ़ेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह ताला से जो सीधा रास्ता तलब करना है, उस रास्ते पर चलना भी है और अमल भी करना है, ताकि अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में शुमार हो सकें। खुशू के लिए नमाज के दौरान गैर मुतालिक बातें नहीं सोचनी। पांचवा रंग अखलाक का रंग है। आज हम बुग्ज और कीना के बारे में देखेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला तबागज़ू वला तहासदू वला तदाबरू वकूनू इबादल लिल्लाही इख्वाना वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहू फौक सलासती अय्याम। आपस में बुग्ज ना रखो, हसद ना करो, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करो, और एक अल्लाह के बंदे बनकर आपस में भाई भाई बन जाओ। किसी भाई के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई को तीन दिनों से ज़्यादा छोड़ दे। छठा रंग इन्फाक फी सबीलिल्लाह का रंग है। सदका इंसान की बचत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में से कौन सा शख्स है जिसे अपने माल के नस्बत अपने वारिस का माल और दौलत ज़्यादा अच्छा लगता हो? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, में से हर एक को अपना माल और दौलत अच्छा लगता है। आपने फरमाया, फ़इन्नमा लहू मा कद्दमा व माल वारिसी ही मा अखरा। हर आदमी का माल वो है जिसने आगे भेजा, और जो उसने पीछे छोड़ दिया वो उसके वारिस का माल है। सातवां रंग है आज क्या करें। अपने और अपने घर वालों के लिए खुसूसी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला कुरान सिखाने वालों में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोशिशें करने का आगाज करना है। किसी मुसलमान से हसद, बुग्ज़ या कीना नहीं रखना। पुरानी नाराज़गियाँ भुला कर अल्लाह ताला के लिए आपस में मोहब्बत करनी है, और अल्लाह ताला की राह में माल लगा कर आखरत में उसे अपने लिए जमा करना है इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभानल्लाहि बुकरतन व असीला सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إلهي جمعہ کا دن ہے اور اس کی ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار رمضان کی ہر نیکی ہر خیر و برکت ہمارے نصیب میں فرما دیجئے الہی آپ سے استدعا ہے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائیے بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے الہی آپ سے استدعا ہے قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما لیجئے الہی جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کے دلوں میں دعائیں ہیں تمنائیں ہیں الہی سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین الہی آمین ماں کی بیٹی ہوں میں پردہ کرتی ہوں اللہ